गोपीचंद की फिल्म पंथम देखने से पहले जान लीजिए यहाँ फिल्म का पूरा रिव्यू और साथ ही जाने कहाँ देखें इसे फ्री में। बता दें कि फिल्म पंथम को IMDb पर 10 में से 5.8 की रेटिंग मिली है और इस मूवी के लीड रोल में है गोपीचंद और महरीन परिजात। इस मूवी को डायरेक्ट किया है चक्रवर्ती रेड्डी ने, जो इससे पहले वेंकी मामा जैसे और भी कई साउथ की फिल्में लिख चुके हैं और डायरेक्ट भी कर चुके हैं। और अब दोस्तों बात करें इस फिल्म के बजट की, तो यह फिल्म का बजट 25 करोड़ रुपए है। फिल्म का निर्माण 2017 के दौरान शुरू हुआ और 5 जुलाई 2018 को इसे रिलीज किया गया। यह एक तेलुगु भाषा एक्शन मूवी है। इस मूवी की कहानी में विक्रांत सुराना नाम के लड़के के आसपास घूमती है, जो एक चोरी को रोकने की कोशिश करता है। इस मूवी में गोपीचंद ने अपने किरदार को काफी अच्छे से निभाया है। यह मूवी एक बार देखने लायक है। बता दी कि पंथम मूवी के हिंदी डब राइट्स को बहुत ही पहले शिमारू एंटरटेनमेंट की तरफ से ले लिया गया था और इस मूवी की हिंदी डबिंग शिमारू स्टूडियो से बहुत ही पहले कंप्लीट करवा ली गई थी और इस मूवी का सेंसर भी हो गया है। इस मूवी को हिंदी डब टाइटल पंथम दिया गया है। और अब बात करें इसमें कौन से वॉइस ओवर आर्टिस्ट आपको सुनने को मिलेंगे, तो दोस्तों गोपीचंद को इसमें वॉइस ओवर किया है शहनूर मिर्जा ने और यह मूवी आपको बहुत जल्द देखने को मिल जाएगी और इस मूवी को बहुत जल्द कलर सिनेप्लेक्स पर रिलीज किया जाएगा। हालांकि यह कहा नहीं जा सकता कि कब इस मूवी को रिलीज किया जाएगा, और जब भी इस मूवी की रिलीज डेट से जुड़ी कोई अपडेट आती है तो हम आपको इसके बारे में जानकारी दे देंगे। जाने कैसी है गोपीचंद की पंथम। फिल्म देखने से पहले जान लीजिए यह फिल्म का पूरा रिव्यू और वो भी हिंदी में। विक्रांत प्रसिद्ध राजनेताओं पर डकैतियों की एक श्रृंखला की योजना बनाता है। अपने घर पर एक बड़ी डकैती के बाद गृह मंत्री नायक जांच के आदेश देते हैं। उसे ये जानकर झटका लगा कि इन डकैतियों के पीछे का आदमी विक्रांत है और उसने ये सब क्यों किया है। ये विक्रांत कौन है, उनकी पृष्ठभूमि की कहानी क्या है, उन्होंने नेताओं पर निशाना क्यों साधा, ये सब जानने के लिए आपको सिल्वर स्क्रीन पर फिल्म देखनी होगी। हीरो गोपीचंद आगे बढ़कर नेतृत्व करते हैं और शानदार प्रदर्शन करते हैं। जैसा कि अपेक्षित था, वो अपनी लड़ाई में अच्छे हैं और उन्होंने अपने अभिनय में भी सुधार किया है। विशेष रूप से महत्वपूर्ण अदालती दृश्य के दौरान उनका प्रदर्शन बहुत ही प्रभावशाली है। पृथ्वी और श्रीनिवास रेड्डी की विशेषता वाले कॉमेडी एपिसोड अधिकांश क्षेत्रों में अच्छे है। संपत ने एक भ्रष्ट मंत्री के रूप में अच्छा काम किया और फिल्म में काफी गहराई लाई है। पहले भाग को हल्का रखा गया है, जिसमें एक के बाद एक अच्छी डकैतियां दिखाई गए हैं और दूसरे भाग में वास्तविक कथानक को मोर के साथ उजागर किया गया है।
जो सामाजिक संदेश दिखाया गया है वो काफी अच्छा है और इसमें काफी जुड़ाव है। फिल्म में मुख्य जोड़ी के बीच बिल्कुल भी केमिस्ट्री नहीं है, जो पहले भाग में थोड़ी कमी है। महरीन को अच्छी तरह से स्टाइल नहीं किया गया है और फिल्म में उनका ट्रैक हटा दिया गया है। एक बार जब कथानक सामने आ जाता है तो दूसरे भाग में चीजें काफी पूर्व अनुमानित और नियमित हो जाती है। कहानी में कुछ भी नया नहीं है क्योंकि डकैती पर आधारित ऐसी फिल्में पहले भी कई बार बन चुकी है। भले ही दिया गया सामाजिक संदेश अच्छा लगता है, लेकिन जिस तरह की कार्यवाही का वर्णन किया गया है वो फिल्म को आवश्यक धक्का नहीं देता है। फिल्म का संगीत भी बेहद ही निराशाजनक है और दोनों हिस्सों में कोई मदद नहीं करता। साथ ही गाने फिल्म के प्रवाहों में स्पीड ब्रेकर के रूप में आते हैं। फिल्म ज्यादातर संपत और गोपीचंद के धागे पर चलती है और यहीं पर दूसरे भाग में चीजें थोड़ी उबायू हो जाती है। के राधा मोहन द्वारा प्रोडक्शन वैल्यू बहुत अच्छी है क्योंकि फिल्म पर बहुत पैसा खर्च किया गया है। कैमरा वर्क भी अच्छा है और फिल्म को अच्छी रोशनी में दिखाता है। सामाजिक मुद्दों पर लिखे गए संवाद बहुत अच्छे और मारक है। संपादन अच्छा है और प्रोडक्शन डिजाइन भी अच्छा है। निर्देशक चक्री की बात करें तो उन्होंने फिल्म में ठीक ठाक काम किया है। उन्होंने एक अपेक्षाकृत पुराना विषय चुना है और इसमें एक समसामयिक सामाजिक मुद्दा जोड़ा है, लेकिन दूसरे भाग में उन्होंने जिस तरह से फिल्म का प्रदर्शन किया है उसमें बहुत कुछ बाकी है, लेकिन वो चमक स्क्वैश के दौरान चीजों को अच्छी तरह से प्रबंधित करता है और चीजों को एक सुखद नोट पर समाप्त करता है। कुल मिलाकर पैंथम एक प्रचलित सामाजिक नाटक है जिसमें एक अच्छा संदेश दिखाया गया है। भले ही कहानी पुरानी हो, निर्देशक चक्री ने यह सुनिश्चित किया है कि पहले भाग में कुछ मजा हो और क्लाइमेक्स संतोषजनक हो। फिल्म के पास बी और सी केंद्रों में अच्छा प्रदर्शन करने का मौका है, लेकिन मल्टीप्लेक्स दर्शकों को चीजें काफी सामान्य लगेगी, इसलिए ये फिल्म इस सप्ताहांत में देखने का औसत स्कोर बन जाएगी। गोपीचंद की फिल्म पंथम देखने से पहले जान लीजिए यहाँ फिल्म का पूरा रिव्यू और साथ ही जाने कहा देखे इसे फ्री में। बता दें कि फिल्म पंथम को IMDb पर 10 में से 5.8 की रेटिंग मिली है और इस मूवी के लीड रोल में है गोपीचंद और महरीन परिजात। इस मूवी को डायरेक्ट किया है चक्रवर्ती रेड्डी ने, जो इससे पहले वेंकी मामा जैसे और भी कई साउथ की फिल्में लिख चुके हैं और डायरेक्ट भी कर चुके हैं। और अब दोस्तों बात करें इस फिल्म के बजट की, तो यह फिल्म का बजट 25 करोड़ रुपए है। फिल्म का निर्माण 2017 के दौरान शुरू हुआ और 5 जुलाई 2018 को इसे रिलीज किया गया। ये एक तेलुगु भाषा एक्शन मूवी है। इस मूवी की कहानी में विक्रांत सुराना नाम के लड़के के आसपास घूमती है, जो एक चोरी को रोकने की कोशिश करता है। इस मूवी में गोपीचंद ने अपने किरदार को काफी अच्छे से निभाया है। यह मूवी एक बार देखने लायक है। बता दी कि पंथम मूवी के हिंदी डब राइट्स को बहुत ही पहले शिमारू एंटरटेनमेंट की तरफ से ले लिया गया था और इस मूवी की हिंदी डबिंग शिमारू स्टूडियो से बहुत ही पहले कंप्लीट करवा ली गई थी और इस मूवी का सेंसर भी हो गया है। इस मूवी को हिंदी डब टाइटल पंथम दिया गया है। और अब बात करें इसमें कौन से वॉइस ओवर आर्टिस्ट आपको सुनने को मिलेंगे, तो दोस्तों गोपीचंद को इसमें वॉइस ओवर किया है शहनूर मिर्जा ने और यह मूवी आपको बहुत जल्द देखने को मिल जाएगी और इस मूवी को बहुत जल्द कलर सिनेप्लेक्स पर रिलीज किया जाएगा। हालांकि यह कहा नहीं जा सकता कि कब इस मूवी को रिलीज किया जाएगा, और जब भी इस मूवी की रिलीज डेट से जुड़ी कोई अपडेट आती है तो हम आपको इसके बारे में जानकारी दे देंगे। जाने कैसी है गोपीचंद की पंथम। फिल्म देखने से पहले जान लीजिए यह फिल्म का पूरा रिव्यू और वो भी हिंदी में। विक्रांत प्रसिद्ध राजनेताओं पर डकैतियों की एक श्रृंखला की योजना बनाता है। अपने घर पर एक बड़ी डकैती के बाद गृह मंत्री नायक जांच के आदेश देते हैं। उसे ये जानकर झटका लगा कि इन डकैतियों के पीछे का आदमी विक्रांत है और उसने ये सब क्यों किया है। ये विक्रांत कौन है, उनकी पृष्ठभूमि की कहानी क्या है, उन्होंने नेताओं पर निशाना क्यों साधा, ये सब जानने के लिए आपको सिल्वर स्क्रीन पर फिल्म देखनी होगी। हीरो गोपीचंद आगे बढ़कर नेतृत्व करते हैं और शानदार प्रदर्शन करते हैं। जैसा कि अपेक्षित था, वो अपनी लड़ाई में अच्छे हैं और उन्होंने अपने अभिनय में भी सुधार किया है। विशेष रूप से महत्वपूर्ण अदालती दृश्य के दौरान उनका प्रदर्शन बहुत ही प्रभावशाली है। पृथ्वी और श्रीनिवास रेड्डी की विशेषता वाले कॉमेडी एपिसोड अधिकांश क्षेत्रों में अच्छे हैं।
संपत ने एक भ्रष्ट मंत्री के रूप में अच्छा काम किया और फिल्म में काफी गहराई लाई है। पहले भाग को हल्का रखा गया है जिसमें एक के बाद एक अच्छी डकैतियां दिखाई गए हैं और दूसरे भाग में वास्तविक कथानक को मोर के साथ उजागर किया गया है। जो सामाजिक संदेश दिखाया गया है वो काफी अच्छा है और इसमें काफी जुड़ाव है। फिल्म में मुख्य जोड़ी के बीच बिल्कुल भी केमिस्ट्री नहीं है, जो पहले भाग में थोड़ी कमी है। महरीन को अच्छी तरह से स्टाइल नहीं किया गया है और फिल्म में उनका ट्रैक हटा दिया गया है। एक बार जब कथानक सामने आ जाता है तो दूसरे भाग में चीजें काफी पूर्व अनुमानित और नियमित हो जाती है। कहानी में कुछ भी नया नहीं है क्योंकि डकैती पर आधारित ऐसी फिल्में पहले भी कई बार बन चुकी है। भले ही दिया गया सामाजिक संदेश अच्छा लगता है, लेकिन जिस तरह की कार्यवाही का वर्णन किया गया है वो फिल्म को आवश्यक धक्का नहीं देता है। फिल्म का संगीत भी बेहद ही निराशाजनक है और दोनों हिस्सों में कोई मदद नहीं करता। साथ ही गाने फिल्म के प्रवाहों में स्पीड ब्रेकर के रूप में आते हैं। फिल्म ज्यादातर संपत और गोपीचंद के धागे पर चलती है और यहीं पर दूसरे भाग में चीजें थोड़ी उबायू हो जाती है। के राधा मोहन द्वारा प्रोडक्शन वैल्यू बहुत अच्छी है क्योंकि फिल्म पर बहुत पैसा खर्च किया गया है। कैमरा वर्क भी अच्छा है और फिल्म को अच्छी रोशनी में दिखाता है। सामाजिक मुद्दों पर लिखे गए संवाद बहुत अच्छे और मारक है। संपादन अच्छा है और प्रोडक्शन डिजाइन भी अच्छा है। निर्देशक चक्री की बात करें तो उन्होंने फिल्म में ठीक ठाक काम किया है। उन्होंने एक अपेक्षाकृत पुराना विषय चुना है और इसमें एक समसामयिक सामाजिक मुद्दा जोड़ा है, लेकिन दूसरे भाग में उन्होंने जिस तरह से फिल्म का प्रदर्शन किया है उसमें बहुत कुछ बाकी है, लेकिन वो चमक स्क्वैश के दौरान चीजों को अच्छी तरह से प्रबंधित करता है और चीजों को एक सुखद नोट पर समाप्त करता है। कुल मिलाकर पैंथम एक प्रचलित सामाजिक नाटक है जिसमें एक अच्छा संदेश दिखाया गया है। भले ही कहानी पुरानी हो, निर्देशक चक्री ने यह सुनिश्चित किया है कि पहले भाग में कुछ मजा हो और क्लाइमेक्स संतोषजनक हो। फिल्म के पास बी और सी केंद्रों में अच्छा प्रदर्शन करने का मौका है, लेकिन मल्टीप्लेक्स दर्शकों को चीजें काफी सामान्य लगेगी, इसलिए ये फिल्म इस सप्ताहांत में देखने का औसत स्कोर बन जाएगी। गोपीचंद की फिल्म पंथम देखने से पहले जान लीजिए यहाँ फिल्म का पूरा रिव्यू और साथ ही जाने कहा देखे इसे फ्री में। बता दें कि फिल्म पंथम को IMDb पर 10 में से 5.8 की रेटिंग मिली है और इस मूवी के लीड रोल में है गोपीचंद और महरीन परिजात। इस मूवी को डायरेक्ट किया है चक्रवर्ती रेड्डी ने, जो इससे पहले वेंकी मामा जैसे और भी कई साउथ की फिल्में लिख चुके हैं और डायरेक्ट भी कर चुके हैं। और अब दोस्तों बात करें इस फिल्म के बजट की, तो यह फिल्म का बजट 25 करोड़ रुपए है। फिल्म का निर्माण 2017 के दौरान शुरू हुआ और 5 जुलाई 2018 को इसे रिलीज किया गया। ये एक तेलुगु भाषा एक्शन मूवी है। इस मूवी की कहानी में विक्रांत सुराना नाम के लड़के के आसपास घूमती है, जो एक चोरी को रोकने की कोशिश करता है। इस मूवी में गोपीचंद ने अपने किरदार को काफी अच्छे से निभाया है। यह मूवी एक बार देखने लायक है। बता दी कि पंथम मूवी के हिंदी डब राइट्स को बहुत ही पहले शिमारू एंटरटेनमेंट की तरफ से ले लिया गया था और इस मूवी की हिंदी डबिंग शिमारू स्टूडियो से बहुत ही पहले कंप्लीट करवा ली गई थी और इस मूवी का सेंसर भी हो गया है। इस मूवी को हिंदी डब टाइटल पंथम दिया गया है। और अब बात करें इसमें कौन से वॉइस ओवर आर्टिस्ट आपको सुनने को मिलेंगे, तो दोस्तों गोपीचंद को इसमें वॉइस ओवर किया है शहनूर मिर्जा ने और यह मूवी आपको बहुत जल्द देखने को मिल जाएगी और इस मूवी को बहुत जल्द कलर सिनेप्लेक्स पर रिलीज किया जाएगा। हालांकि यह कहा नहीं जा सकता कि कब इस मूवी को रिलीज किया जाएगा, और जब भी इस मूवी की रिलीज डेट से जुड़ी कोई अपडेट आती है तो हम आपको इसके बारे में जानकारी दे देंगे। जाने कैसी है गोपीचंद की पंथम। फिल्म देखने से पहले जान लीजिए यह फिल्म का पूरा रिव्यू और वो भी हिंदी में। विक्रांत प्रसिद्ध राजनेताओं पर डकैतियों की एक श्रृंखला की योजना बनाता है। अपने घर पर एक बड़ी डकैती के बाद गृह मंत्री नायक जांच के आदेश देते हैं। उसे ये जानकर झटका लगा कि इन डकैतियों के पीछे का आदमी विक्रांत है और उसने ये सब क्यों किया है। ये विक्रांत कौन है, उनकी पृष्ठभूमि की कहानी क्या है, उन्होंने नेताओं पर निशाना क्यों साधा, ये सब जानने के लिए आपको सिल्वर स्क्रीन पर फिल्म देखनी होगी। हीरो गोपीचंद आगे बढ़कर नेतृत्व करते हैं और शानदार प्रदर्शन करते हैं। जैसा कि अपेक्षित था, वो अपनी लड़ाई में अच्छे हैं और उन्होंने अपने अभिनय में भी
सुधार किया है। विशेष रूप से महत्वपूर्ण अदालती दृश्य के दौरान उनका प्रदर्शन बहुत ही प्रभावशाली है। पृथ्वी और श्रीनिवास रेड्डी की विशेषता वाले कॉमेडी एपिसोड अधिकांश क्षेत्रों में अच्छे है। संपत ने एक भ्रष्ट मंत्री के रूप में अच्छा काम किया और फिल्म में काफी गहराई लाई है। पहले भाग को हल्का रखा गया है जिसमें एक के बाद एक अच्छी डकैतियां दिखाई गए हैं और दूसरे भाग में वास्तविक कथानक को मोर के साथ उजागर किया गया है। जो सामाजिक संदेश दिखाया गया है वो काफी अच्छा है और इसमें काफी जुड़ाव है। फिल्म में मुख्य जोड़ी के बीच बिल्कुल भी केमिस्ट्री नहीं है, जो पहले भाग में थोड़ी कमी है। महरीन को अच्छी तरह से स्टाइल नहीं किया गया है और फिल्म में उनका ट्रैक हटा दिया गया है। एक बार जब कथानक सामने आ जाता है तो दूसरे भाग में चीजें काफी पूर्व अनुमानित और नियमित हो जाती है। कहानी में कुछ भी नया नहीं है क्योंकि डकैती पर आधारित ऐसी फिल्में पहले भी कई बार बन चुकी है। भले ही दिया गया सामाजिक संदेश अच्छा लगता है, लेकिन जिस तरह की कार्यवाही का वर्णन किया गया है वो फिल्म को आवश्यक धक्का नहीं देता है। फिल्म का संगीत भी बेहद ही निराशाजनक है और दोनों हिस्सों में कोई मदद नहीं करता। साथ ही गाने फिल्म के प्रवाहों में स्पीड ब्रेकर के रूप में आते हैं। फिल्म ज्यादातर संपत और गोपीचंद के धागे पर चलती है और यही पर दूसरे भाग में चीजें थोड़ी उबायू हो जाती है। के राधा मोहन द्वारा प्रोडक्शन वैल्यू बहुत अच्छी है क्योंकि फिल्म पर बहुत पैसा खर्च किया गया है। कैमरा वर्क भी अच्छा है और फिल्म को अच्छी रोशनी में दिखाता है। सामाजिक मुद्दों पर लिखे गए संवाद बहुत अच्छे और मारक है। संपादन अच्छा है और प्रोडक्शन डिजाइन भी अच्छा है। निर्देशक चक्री की बात करें तो उन्होंने फिल्म में ठीक ठाक काम किया है। उन्होंने एक अपेक्षाकृत पुराना विषय चुना है और इसमें एक समसामयिक सामाजिक मुद्दा जोड़ा है, लेकिन दूसरे भाग में उन्होंने जिस तरह से फिल्म का प्रदर्शन किया है उसमें बहुत कुछ बाकी है, लेकिन वो चमक स्क्वैश के दौरान चीजों को अच्छी तरह से प्रबंधित करता है और चीजों को एक सुखद नोट पर समाप्त करता है। कुल मिलाकर पैंथम एक प्रचलित सामाजिक नाटक है जिसमें एक अच्छा संदेश दिखाया गया है। भले ही कहानी पुरानी हो, निर्देशक चक्री ने यह सुनिश्चित किया है कि पहले भाग में कुछ मजा हो और क्लाइमेक्स संतोषजनक हो। फिल्म के पास बी और सी केंद्रों में अच्छा प्रदर्शन करने का मौका है, लेकिन मल्टीप्लेक्स दर्शकों को चीजें काफी सामान्य लगेगी, इसलिए ये फिल्म इस सप्ताहांत में देखने का औसत स्कोर बन जाएगी। गोपीचंद की फिल्म पंथम देखने से पहले जान लीजिए यहाँ फिल्म का पूरा रिव्यू और साथ ही जाने कहा देखे इसे फ्री में। बता दें कि फिल्म पंथम को IMDb पर 10 में से 5.8 की रेटिंग मिली है और इस मूवी के लीड रोल में है गोपीचंद और महरीन परिजात। इस मूवी को डायरेक्ट किया है चक्रवर्ती रेड्डी ने, जो इससे पहले वेंकी मामा जैसे और भी कई साउथ की फिल्में लिख चुके हैं और डायरेक्ट भी कर चुके हैं। और अब दोस्तों बात करें इस फिल्म के बजट की, तो यह फिल्म का बजट 25 करोड़ रुपए है। फिल्म का निर्माण 2017 के दौरान शुरू हुआ और 5 जुलाई 2018 को इसे रिलीज किया गया। ये एक तेलुगु भाषा एक्शन मूवी है। इस मूवी की कहानी में विक्रांत सुराना नाम के लड़के के आसपास घूमती है, जो एक चोरी को रोकने की कोशिश करता है। इस मूवी में गोपीचंद ने अपने किरदार को काफी अच्छे से निभाया है। यह मूवी एक बार देखने लायक है। बता दी कि पंथम मूवी के हिंदी डब राइट्स को बहुत ही पहले शिमारू एंटरटेनमेंट की तरफ से ले लिया गया था और इस मूवी की हिंदी डबिंग शिमारू स्टूडियो से बहुत ही पहले कंप्लीट करवा ली गई थी और इस मूवी का सेंसर भी हो गया है। इस मूवी को हिंदी डब टाइटल पंथम दिया गया है। और अब बात करें इसमें कौन से वॉइस ओवर आर्टिस्ट आपको सुनने को मिलेंगे, तो दोस्तों गोपीचंद को इसमें वॉइस ओवर किया है शहनूर मिर्जा ने और यह मूवी आपको बहुत जल्द देखने को मिल जाएगी और इस मूवी को बहुत जल्द कलर सिनेप्लेक्स पर रिलीज किया जाएगा। हालांकि यह कहा नहीं जा सकता कि कब इस मूवी को रिलीज किया जाएगा, और जब भी इस मूवी की रिलीज डेट से जुड़ी कोई अपडेट आती है तो हम आपको इसके बारे में जानकारी दे देंगे। जाने कैसी है गोपीचंद की पंथम। फिल्म देखने से पहले जान लीजिए यह फिल्म का पूरा रिव्यू और वो भी हिंदी में। विक्रांत प्रसिद्ध राजनेताओं पर डकैतियों की एक श्रृंखला की योजना बनाता है। अपने घर पर एक बड़ी डकैती के बाद गृह मंत्री नायक जांच के आदेश देते हैं। उसे ये जानकर झटका लगा कि इन डकैतियों के पीछे का आदमी विक्रांत है और उसने ये सब क्यों किया है। ये विक्रांत कौन है, उनकी पृष्ठभूमि की कहानी क्या है, उन्होंने नेताओं पर निशाना क्यों साधा,
ये सब जानने के लिए आपको सिल्वर स्क्रीन पर फिल्म देखनी होगी। हीरो गोपी चंद आगे बढ़कर नेतृत्व करते हैं और शानदार प्रदर्शन करते हैं। जैसा कि अपेक्षित था, वो अपनी लड़ाई में अच्छे हैं और उन्होंने अपने अभिनय में भी सुधार किया है। विशेष रूप से महत्वपूर्ण अदालती दृश्य के दौरान उनका प्रदर्शन बहुत ही प्रभावशाली है। पृथ्वी और श्रीनिवास रेड्डी की विशेषता वाले कॉमेडी एपिसोड अधिकांश क्षेत्रों में अच्छे है। संपत ने एक भ्रष्ट मंत्री के रूप में अच्छा काम किया और फिल्म में काफी गहराई लाई है। पहले भाग को हल्का रखा गया है, जिसमें एक के बाद एक अच्छी डकैतियां दिखाई गए हैं, और दूसरे भाग में वास्तविक कथानक को मोर के साथ उजागर किया गया है। जो सामाजिक संदेश दिखाया गया है वो काफी अच्छा है और इसमें काफी जुड़ाव है। फिल्म में मुख्य जोड़ी के बीच बिल्कुल भी केमिस्ट्री नहीं है, जो पहले भाग में थोड़ी कमी है। महरीन को अच्छी तरह से स्टाइल नहीं किया गया है और फिल्म में उनका ट्रैक हटा दिया गया है। एक बार जब कथानक सामने आ जाता है तो दूसरे भाग में चीजें काफी पूर्व अनुमानित और नियमित हो जाती है। कहानी में कुछ भी नया नहीं है, क्योंकि डकैती पर आधारित ऐसी फिल्में पहले भी कई बार बन चुकी है। भले ही दिया गया सामाजिक संदेश अच्छा लगता है, लेकिन जिस तरह की कार्यवाही का वर्णन किया गया है वो फिल्म को आवश्यक धक्का नहीं देता है। फिल्म का संगीत भी बेहद ही निराशाजनक है और दोनों हिस्सों में कोई मदद नहीं करता। साथ ही गाने फिल्म के प्रवाहों में स्पीड ब्रेकर के रूप में आते हैं। फिल्म ज्यादातर संपत और गोपीचंद के धागे पर चलती है और यही पर दूसरे भाग में चीजें थोड़ी उबायू हो जाती है। के राधा मोहन द्वारा प्रोडक्शन वैल्यू बहुत अच्छी है, क्योंकि फिल्म पर बहुत पैसा खर्च किया गया है। कैमरा वर्क भी अच्छा है और फिल्म को अच्छी रोशनी में दिखाता है। सामाजिक मुद्दों पर लिखे गए संवाद बहुत अच्छे और मारक है। संपादन अच्छा है और प्रोडक्शन डिजाइन भी अच्छा है। निर्देशक चक्री की बात करें तो उन्होंने फिल्म में ठीक ठाक काम किया है। उन्होंने एक अपेक्षाकृत पुराना विषय चुना है और इसमें एक समसामयिक सामाजिक मुद्दा जोड़ा है, लेकिन दूसरे भाग में उन्होंने जिस तरह से फिल्म का प्रदर्शन किया है उसमें बहुत कुछ बाकी है, लेकिन वो चमक स्क्वैश के दौरान चीजों को अच्छी तरह से प्रबंधित करता है और चीजों को एक सुखद नोट पर समाप्त करता है। कुल मिलाकर पैंथम एक प्रचलित सामाजिक नाटक है, जिसमें एक अच्छा संदेश दिखाया गया है। भले ही कहानी पुरानी हो, निर्देशक चक्री ने यह सुनिश्चित किया है कि पहले भाग में कुछ मजा हो और क्लाइमेक्स संतोषजनक हो। फिल्म के पास बी और सी केंद्रों में अच्छा प्रदर्शन करने का मौका है, लेकिन मल्टीप्लेक्स दर्शकों को चीजें काफी सामान्य लगेगी, इसलिए ये फिल्म इस सप्ताहांत में देखने का औसत स्कोर बन जाएगी। गोपीचंद की फिल्म पंथम देखने से पहले जान लीजिए यहाँ फिल्म का पूरा रिव्यू और साथ ही जाने कहा देखे इसे फ्री में। बता दें कि फिल्म पंथम को IMDb पर 10 में से 5.8 की रेटिंग मिली है और इस मूवी के लीड रोल में है गोपीचंद और महरीन परिजात। इस मूवी को डायरेक्ट किया है चक्रवर्ती रेड्डी ने, जो इससे पहले वेंकी मामा जैसे और भी कई साउथ की फिल्में लिख चुके हैं और डायरेक्ट भी कर चुके हैं। और अब दोस्तों बात करें इस फिल्म के बजट की, तो यह फिल्म का बजट 25 करोड़ रुपए है। फिल्म का निर्माण 2017 के दौरान शुरू हुआ और 5 जुलाई 2018 को इसे रिलीज किया गया। ये एक तेलुगु भाषा एक्शन मूवी है। इस मूवी की कहानी में विक्रांत सुराना नाम के लड़के के आसपास घूमती है, जो एक चोरी को रोकने की कोशिश करता है। इस मूवी में गोपीचंद ने अपने किरदार को काफी अच्छे से निभाया है। यह मूवी एक बार देखने लायक है। बता दी कि पंथम मूवी के हिंदी डब राइट्स को बहुत ही पहले शिमारू एंटरटेनमेंट की तरफ से ले लिया गया था और इस मूवी की हिंदी डबिंग शिमारू स्टूडियो से बहुत ही पहले कंप्लीट करवा ली गई थी और इस मूवी का सेंसर भी हो गया है। इस मूवी को हिंदी डब टाइटल पंथम दिया गया है। और अब बात करें इसमें कौन से वॉइस ओवर आर्टिस्ट आपको सुनने को मिलेंगे, तो दोस्तों गोपीचंद को इसमें वॉइस ओवर किया है शहनूर मिर्जा ने और यह मूवी आपको बहुत जल्द देखने को मिल जाएगी और इस मूवी को बहुत जल्द कलर सिनेप्लेक्स पर रिलीज किया जाएगा। हालांकि यह कहा नहीं जा सकता कि कब इस मूवी को रिलीज किया जाएगा, और जब भी इस मूवी की रिलीज डेट से जुड़ी कोई अपडेट आती है तो हम आपको इसके बारे में जानकारी दे देंगे। जाने कैसी है गोपीचंद की पंथम। फिल्म देखने से पहले जान लीजिए यह फिल्म का पूरा रिव्यू और वो भी हिंदी में। विक्रांत प्रसिद्ध राजनेताओं पर डकैतियों की एक श्रृंखला की योजना बनाता है। अपने घर पर एक बड़ी डकैती के बाद गृह मंत्री नायक जांच के आदेश देते हैं।
उसे ये जानकर झटका लगा कि इन डकैतियों के पीछे का आदमी विक्रांत है और उसने ये सब क्यों किया है। ये विक्रांत कौन है, उनकी पृष्ठभूमि की कहानी क्या है, उन्होंने नेताओं पर निशाना क्यों साधा, ये सब जानने के लिए आपको सिल्वर स्क्रीन पर फिल्म देखनी होगी। हीरो गोपी चंद आगे बढ़कर नेतृत्व करते हैं और शानदार प्रदर्शन करते हैं। जैसा कि अपेक्षित था, वो अपनी लड़ाई में अच्छे हैं और उन्होंने अपने अभिनय में भी सुधार किया है। विशेष रूप से महत्वपूर्ण अदालती दृश्य के दौरान उनका प्रदर्शन बहुत ही प्रभावशाली है। पृथ्वी और श्रीनिवास रेड्डी की विशेषता वाले कॉमेडी एपिसोड अधिकांश क्षेत्रों में अच्छे है। संपत ने एक भ्रष्ट मंत्री के रूप में अच्छा काम किया और फिल्म में काफी गहराई लाई है। पहले भाग को हल्का रखा गया है, जिसमें एक के बाद एक अच्छी डकैतियां दिखाई गए हैं, और दूसरे भाग में वास्तविक कथानक को मोर के साथ उजागर किया गया है। जो सामाजिक संदेश दिखाया गया है वो काफी अच्छा है और इसमें काफी जुड़ाव है। फिल्म में मुख्य जोड़ी के बीच बिल्कुल भी केमिस्ट्री नहीं है, जो पहले भाग में थोड़ी कमी है। महरीन को अच्छी तरह से स्टाइल नहीं किया गया है और फिल्म में उनका ट्रैक हटा दिया गया है। एक बार जब कथानक सामने आ जाता है तो दूसरे भाग में चीजें काफी पूर्व अनुमानित और नियमित हो जाती है। कहानी में कुछ भी नया नहीं है, क्योंकि डकैती पर आधारित ऐसी फिल्में पहले भी कई बार बन चुकी है। भले ही दिया गया सामाजिक संदेश अच्छा लगता है, लेकिन जिस तरह की कार्यवाही का वर्णन किया गया है वो फिल्म को आवश्यक धक्का नहीं देता है। फिल्म का संगीत भी बेहद ही निराशाजनक है और दोनों हिस्सों में कोई मदद नहीं करता। साथ ही गाने फिल्म के प्रवाहों में स्पीड ब्रेकर के रूप में आते हैं। फिल्म ज्यादातर संपत और गोपीचंद के धागे पर चलती है और यही पर दूसरे भाग में चीजें थोड़ी उबायू हो जाती है। के राधा मोहन द्वारा प्रोडक्शन वैल्यू बहुत अच्छी है, क्योंकि फिल्म पर बहुत पैसा खर्च किया गया है। कैमरा वर्क भी अच्छा है और फिल्म को अच्छी रोशनी में दिखाता है। सामाजिक मुद्दों पर लिखे गए संवाद बहुत अच्छे और मारक है। संपादन अच्छा है और प्रोडक्शन डिजाइन भी अच्छा है। निर्देशक चक्री की बात करें तो उन्होंने फिल्म में ठीक ठाक काम किया है। उन्होंने एक अपेक्षाकृत पुराना विषय चुना है और इसमें एक समसामयिक सामाजिक मुद्दा जोड़ा है, लेकिन दूसरे भाग में उन्होंने जिस तरह से फिल्म का प्रदर्शन किया है उसमें बहुत कुछ बाकी है, लेकिन वो चमक स्क्वैश के दौरान चीजों को अच्छी तरह से प्रबंधित करता है और चीजों को एक सुखद नोट पर समाप्त करता है। कुल मिलाकर पैंथम एक प्रचलित सामाजिक नाटक है, जिसमें एक अच्छा संदेश दिखाया गया है। भले ही कहानी पुरानी हो, निर्देशक चक्री ने यह सुनिश्चित किया है कि पहले भाग में कुछ मजा हो और क्लाइमेक्स संतोषजनक हो। फिल्म के पास बी और सी केंद्रों में अच्छा प्रदर्शन करने का मौका है, लेकिन मल्टीप्लेक्स दर्शकों को चीजें काफी सामान्य लगेगी, इसलिए ये फिल्म इस सप्ताहांत में देखने का औसत स्कोर बन जाएगी। गोपीचंद की फिल्म पंथम देखने से पहले जान लीजिए यहाँ फिल्म का पूरा रिव्यू और साथ ही जाने कहा देखे इसे फ्री में। बता दें कि फिल्म पंथम को IMDb पर 10 में से 5.8 की रेटिंग मिली है और इस मूवी के लीड रोल में है गोपीचंद और महरीन परिजात। इस मूवी को डायरेक्ट किया है चक्रवर्ती रेड्डी ने, जो इससे पहले वेंकी मामा जैसे और भी कई साउथ की फिल्में लिख चुके हैं और डायरेक्ट भी कर चुके हैं। और अब दोस्तों बात करें इस फिल्म के बजट की, तो यह फिल्म का बजट 25 करोड़ रुपए है। फिल्म का निर्माण 2017 के दौरान शुरू हुआ और 5 जुलाई 2018 को इसे रिलीज किया गया। ये एक तेलुगु भाषा एक्शन मूवी है। इस मूवी की कहानी में विक्रांत सुराना नाम के लड़के के आसपास घूमती है, जो एक चोरी को रोकने की कोशिश करता है। इस मूवी में गोपीचंद ने अपने किरदार को काफी अच्छे से निभाया है। यह मूवी एक बार देखने लायक है। बता दी कि पंथम मूवी के हिंदी डब राइट्स को बहुत ही पहले शिमारू एंटरटेनमेंट की तरफ से ले लिया गया था और इस मूवी की हिंदी डबिंग शिमारू स्टूडियो से बहुत ही पहले कंप्लीट करवा ली गई थी और इस मूवी का सेंसर भी हो गया है। इस मूवी को हिंदी डब टाइटल पंथम दिया गया है। और अब बात करें इसमें कौन से वॉइस ओवर आर्टिस्ट आपको सुनने को मिलेंगे, तो दोस्तों गोपीचंद को इसमें वॉइस ओवर किया है शहनूर मिर्जा ने और यह मूवी आपको बहुत जल्द देखने को मिल जाएगी और इस मूवी को बहुत जल्द कलर सिनेप्लेक्स पर रिलीज किया जाएगा। हालांकि यह कहा नहीं जा सकता कि कब इस मूवी को रिलीज किया जाएगा, और जब भी इस मूवी की रिलीज डेट से जुड़ी कोई अपडेट आती है तो हम आपको इसके बारे में जानकारी दे देंगे। जाने कैसी है गोपीचंद की पंथम।
फिल्म देखने से पहले जान लीजिए यह फिल्म का पूरा रिव्यू और वो भी हिंदी में। विक्रांत प्रसिद्ध राजनेताओं पर डकैतियों की एक श्रृंखला की योजना बनाता है। अपने घर पर एक बड़ी डकैती के बाद गृह मंत्री नायक जांच के आदेश देते हैं। उसे ये जानकर झटका लगा कि इन डकैतियों के पीछे का आदमी विक्रांत है और उसने ये सब क्यों किया है। ये विक्रांत कौन है, उनकी पृष्ठभूमि की कहानी क्या है, उन्होंने नेताओं पर निशाना क्यों साधा, ये सब जानने के लिए आपको सिल्वर स्क्रीन पर फिल्म देखनी होगी। हीरो गोपी चंद आगे बढ़कर नेतृत्व करते हैं और शानदार प्रदर्शन करते हैं। जैसा कि अपेक्षित था, वो अपनी लड़ाई में अच्छे हैं और उन्होंने अपने अभिनय में भी सुधार किया है। विशेष रूप से महत्वपूर्ण अदालती दृश्य के दौरान उनका प्रदर्शन बहुत ही प्रभावशाली है। पृथ्वी और श्रीनिवास रेड्डी की विशेषता वाले कॉमेडी एपिसोड अधिकांश क्षेत्रों में अच्छे है। संपत ने एक भ्रष्ट मंत्री के रूप में अच्छा काम किया और फिल्म में काफी गहराई लाई है। पहले भाग को हल्का रखा गया है जिसमें एक के बाद एक अच्छी डकैतियां दिखाई गए हैं और दूसरे भाग में वास्तविक कथानक को मोर के साथ उजागर किया गया है। जो सामाजिक संदेश दिखाया गया है वो काफी अच्छा है और इसमें काफी जुड़ाव है। फिल्म में मुख्य जोड़ी के बीच बिल्कुल भी केमिस्ट्री नहीं है, जो पहले भाग में थोड़ी कमी है। महरीन को अच्छी तरह से स्टाइल नहीं किया गया है और फिल्म में उनका ट्रैक हटा दिया गया है। एक बार जब कथानक सामने आ जाता है तो दूसरे भाग में चीजें काफी पूर्व अनुमानित और नियमित हो जाती है। कहानी में कुछ भी नया नहीं है क्योंकि डकैती पर आधारित ऐसी फिल्में पहले भी कई बार बन चुकी है। भले ही दिया गया सामाजिक संदेश अच्छा लगता है, लेकिन जिस तरह की कार्यवाही का वर्णन किया गया है वो फिल्म को आवश्यक धक्का नहीं देता है। फिल्म का संगीत भी बेहद ही निराशाजनक है और दोनों हिस्सों में कोई मदद नहीं करता। साथ ही गाने फिल्म के प्रवाहों में स्पीड ब्रेकर के रूप में आते हैं। फिल्म ज्यादातर संपत और गोपीचंद के धागे पर चलती है और यही पर दूसरे भाग में चीजें थोड़ी उबायू हो जाती है। के राधा मोहन द्वारा प्रोडक्शन वैल्यू बहुत अच्छी है क्योंकि फिल्म पर बहुत पैसा खर्च किया गया है। कैमरा वर्क भी अच्छा है और फिल्म को अच्छी रोशनी में दिखाता है। सामाजिक मुद्दों पर लिखे गए संवाद बहुत अच्छे और मारक है। संपादन अच्छा है और प्रोडक्शन डिजाइन भी अच्छा है। निर्देशक चक्री की बात करें तो उन्होंने फिल्म में ठीक ठाक काम किया है। उन्होंने एक अपेक्षाकृत पुराना विषय चुना है और इसमें एक समसामयिक सामाजिक मुद्दा जोड़ा है, लेकिन दूसरे भाग में उन्होंने जिस तरह से फिल्म का प्रदर्शन किया है उसमें बहुत कुछ बाकी है, लेकिन वो चमक स्क्वैश के दौरान चीजों को अच्छी तरह से प्रबंधित करता है और चीजों को एक सुखद नोट पर समाप्त करता है। कुल मिलाकर पैंथम एक प्रचलित सामाजिक नाटक है जिसमें एक अच्छा संदेश दिखाया गया है। भले ही कहानी पुरानी हो, निर्देशक चक्री ने यह सुनिश्चित किया है कि पहले भाग में कुछ मजा हो और क्लाइमेक्स संतोषजनक हो। फिल्म के पास बी और सी केंद्रों में अच्छा प्रदर्शन करने का मौका है, लेकिन मल्टीप्लेक्स दर्शकों को चीजें काफी सामान्य लगेगी, इसलिए ये फिल्म इस सप्ताहांत में देखने का औसत स्कोर बन जाएगी। गोपीचंद की फिल्म पंथम देखने से पहले जान लीजिए यहाँ फिल्म का पूरा रिव्यू और साथ ही जाने कहा देखे इसे फ्री में। बता दें कि फिल्म पंथम को IMDb पर 10 में से 5.8 की रेटिंग मिली है और इस मूवी के लीड रोल में है गोपीचंद और महरीन परिजात। इस मूवी को डायरेक्ट किया है चक्रवर्ती रेड्डी ने, जो इससे पहले वेंकी मामा जैसे और भी कई साउथ की फिल्में लिख चुके हैं और डायरेक्ट भी कर चुके हैं। और अब दोस्तों बात करें इस फिल्म के बजट की, तो यह फिल्म का बजट 25 करोड़ रुपए है। फिल्म का निर्माण 2017 के दौरान शुरू हुआ और 5 जुलाई 2018 को इसे रिलीज किया गया। ये एक तेलुगु भाषा एक्शन मूवी है। इस मूवी की कहानी में विक्रांत सुराना नाम के लड़के के आसपास घूमती है, जो एक चोरी को रोकने की कोशिश करता है। इस मूवी में गोपीचंद ने अपने किरदार को काफी अच्छे से निभाया है। यह मूवी एक बार देखने लायक है। बता दी कि पंथम मूवी की हिंदी डब राइट्स को बहुत ही पहले शिमारू एंटरटेनमेंट की तरफ से ले लिया गया था और इस मूवी की हिंदी डबिंग शिमारू स्टूडियो से बहुत ही पहले कंप्लीट करवा ली गई थी और इस मूवी का सेंसर भी हो गया है। इस मूवी को हिंदी डब टाइटल पैंथम दिया गया है। और अब बात करें इसमें कौन से वॉइस ओवर आर्टिस्ट
आपको सुनने को मिलेगी। तो दोस्तों गोपी चंद को इसमें वॉइस ओवर किया है शहनूर मिर्जा ने और यह मूवी आपको बहुत जल्द देखने को मिल जाएगी और इस मूवी को बहुत जल्द कलर सिनेप्लेक्स पर रिलीज किया जाएगा। हालांकि यह कहा नहीं जा सकता कि कब इस मूवी को रिलीज किया जाएगा और जब भी इस मूवी की रिलीज डेट से जुड़ी कोई अपडेट आती है तो हम आपको इसके बारे में जानकारी दे देंगे। जाने कैसी है गोपी चंद की पंथम फिल्म देखने से पहले जान लीजिए यह फिल्म का पूरा रिव्यू और वो भी हिंदी में। विक्रांत प्रसिद्ध राजनेताओं पर डकैतियों की एक श्रृंखला की योजना बनाता है। अपने घर पर एक बड़ी डकैती के बाद गृह मंत्री नायक जांच के आदेश देते हैं। उसे ये जानकर झटका लगा कि इन डकैतियों के पीछे का आदमी विक्रांत है और उसने ये सब क्यों किया है। ये विक्रांत कौन है, उनकी पृष्ठभूमि की कहानी क्या है, उन्होंने नेताओं पर निशाना क्यों साधा, ये सब जानने के लिए आपको सिल्वर स्क्रीन पर फिल्म देखनी होगी। हीरो गोपी चंद आगे बढ़कर नेतृत्व करते हैं और शानदार प्रदर्शन करते हैं। जैसा कि अपेक्षित था वो अपनी लड़ाई में अच्छे हैं और उन्होंने अपने अभिनय में भी सुधार किया है। विशेष रूप से महत्वपूर्ण अदालती दृश्य के दौरान उनका प्रदर्शन बहुत ही प्रभावशाली है। पृथ्वी और श्रीनिवास रेड्डी की विशेषता वाले कॉमेडी एपिसोड अधिकांश क्षेत्रों में अच्छे हैं। संपत ने एक भ्रष्ट मंत्री के रूप में अच्छा काम किया और फिल्म में काफी गहराई लाई है। पहले भाग को हल्का रखा गया है जिसमें एक के बाद एक अच्छी डकैतियां दिखाई गए हैं और दूसरे भाग में वास्तविक कथानक को मोर के साथ उजागर किया गया है। जो सामाजिक संदेश दिखाया गया है वो काफी अच्छा है और इसमें काफी जुड़ाव है। फिल्म में मुख्य जोड़ी के बीच बिल्कुल भी केमिस्ट्री नहीं है, जो पहले भाग में थोड़ी कमी है। महरीन को अच्छी तरह से स्टाइल नहीं किया गया है और फिल्म में उनका ट्रैक हटा दिया गया है। एक बार जब कथानक सामने आ जाता है तो दूसरे भाग में चीजें काफी पूर्व अनुमानित और नियमित हो जाती है। कहानी में कुछ भी नया नहीं है क्योंकि डकैती पर आधारित ऐसी फिल्में पहले भी कई बार बन चुकी है। भले ही दिया गया सामाजिक संदेश अच्छा लगता है लेकिन जिस तरह की कार्यवाही का वर्णन किया गया है वो फिल्म को आवश्यक धक्का नहीं देता है। फिल्म का संगीत भी बेहद ही निराशाजनक है और दोनों हिस्सों में कोई मदद नहीं करता। साथ ही गाने फिल्म के प्रवाहों में स्पीड ब्रेकर के रूप में आते हैं। फिल्म ज्यादातर संपत और गोपीचंद के धागे पर चलती है और यही पर दूसरे भाग में चीजें थोड़ी उबायू हो जाती है। के राधा मोहन द्वारा प्रोडक्शन वैल्यू बहुत अच्छी है क्योंकि फिल्म पर बहुत पैसा खर्च किया गया है। कैमरा वर्क भी अच्छा है और फिल्म को अच्छी रोशनी में दिखाता है। सामाजिक मुद्दों पर लिखे गए संवाद बहुत अच्छे और मारक है। संपादन अच्छा है और प्रोडक्शन डिजाइन भी अच्छा है। निर्देशक चक्री की बात करें तो उन्होंने फिल्म में ठीक ठाक काम किया है। उन्होंने एक अपेक्षाकृत पुराना विषय चुना है और इसमें एक समसामयिक सामाजिक मुद्दा जोड़ा है, लेकिन दूसरे भाग में उन्होंने जिस तरह से फिल्म का प्रदर्शन किया है उसमें बहुत कुछ बाकी है, लेकिन वो चमक स्क्वैश के दौरान चीजों को अच्छी तरह से प्रबंधित करता है और चीजों को एक सुखद नोट पर समाप्त करता है। कुल मिलाकर पैंथम एक प्रचलित सामाजिक नाटक है जिसमें एक अच्छा संदेश दिखाया गया है। भले ही कहानी पुरानी हो, निर्देशक चक्री ने यह सुनिश्चित किया है कि पहले भाग में कुछ मजा हो और क्लाइमेक्स संतोषजनक हो। फिल्म के पास बी और सी केंद्रों में अच्छा प्रदर्शन करने का मौका है, लेकिन मल्टीप्लेक्स दर्शकों को चीजें काफी सामान्य लगेगी, इसलिए ये फिल्म इस सप्ताहांत में देखने का औसत स्कोर बन जाएगी। गोपीचंद की फिल्म पंथम देखने से पहले जान लीजिए यहाँ फिल्म का पूरा रिव्यू और साथ ही जाने कहा देखे इसे फ्री में। बता दें कि फिल्म पंथम को IMDb पर 10 में से 5.8 की रेटिंग मिली है और इस मूवी के लीड रोल में है गोपीचंद और महरीन परिजात। इस मूवी को डायरेक्ट किया है चक्रवर्ती रेड्डी ने, जो इससे पहले वेंकी मामा जैसे और भी कई साउथ की फिल्में लिख चुके हैं और डायरेक्ट भी कर चुके हैं। और अब दोस्तों बात करें इस फिल्म के बजट की, तो यह फिल्म का बजट 25 करोड़ रुपए है। फिल्म का निर्माण 2017 के दौरान शुरू हुआ और 5 जुलाई 2018 को इसे रिलीज किया गया। ये एक तेलुगु भाषा एक्शन मूवी है। इस मूवी की कहानी में विक्रांत सुराना नाम के लड़के के आसपास घूमती है, जो एक चोरी को रोकने की कोशिश करता है। इस मूवी में गोपीचंद ने अपने किरदार को काफी अच्छे से निभाया है। यह मूवी एक बार देखने लायक है।
बता दी कि पंथम मूवी की हिंदी डब राइट्स को बहुत ही पहले शिमारू एंटरटेनमेंट की तरफ से ले लिया गया था और इस मूवी की हिंदी डबिंग शिमारू स्टूडियो से बहुत ही पहले कंप्लीट करवा ली गई थी और इस मूवी का सेंसर भी हो गया है। इस मूवी को हिंदी डब टाइटल पैंथम दिया गया है। और अब बात करें इसमें कौन से वॉइस ओवर आर्टिस्ट आपको सुनने को मिलेंगे, तो दोस्तों गोपीचंद को इसमें वॉइस ओवर किया है शहनूर मिर्जा ने और यह मूवी आपको बहुत जल्द देखने को मिल जाएगी और इस मूवी को बहुत जल्द कलर सिनेप्लेक्स पर रिलीज किया जाएगा। हालांकि यह कहा नहीं जा सकता कि कब इस मूवी को रिलीज किया जाएगा और जब भी इस मूवी की रिलीज डेट से जुड़ी कोई अपडेट आती है तो हम आपको इसके बारे में जानकारी दे देंगे। जाने कैसी है गोपीचंद की पंथम फिल्म, देखने से पहले जान लीजिए यह फिल्म का पूरा रिव्यू और वो भी हिंदी में। विक्रांत प्रसिद्ध राजनेताओं पर डकैतियों की एक श्रृंखला की योजना बनाता है। अपने घर पर एक बड़ी डकैती के बाद गृह मंत्री नायक जांच के आदेश देते हैं। उसे ये जानकर झटका लगा कि इन डकैतियों के पीछे का आदमी विक्रांत है और उसने ये सब क्यों किया है। ये विक्रांत कौन है, उनकी पृष्ठभूमि की कहानी क्या है, उन्होंने नेताओं पर निशाना क्यों साधा, ये सब जानने के लिए आपको सिल्वर स्क्रीन पर फिल्म देखनी होगी। हीरो गोपीचंद आगे बढ़कर नेतृत्व करते हैं और शानदार प्रदर्शन करते हैं। जैसा कि अपेक्षित था वो अपनी लड़ाई में अच्छे हैं और उन्होंने अपने अभिनय में भी सुधार किया है। विशेष रूप से महत्वपूर्ण अदालती दृश्य के दौरान उनका प्रदर्शन बहुत ही प्रभावशाली है। पृथ्वी और श्रीनिवास रेड्डी की विशेषता वाले कॉमेडी एपिसोड अधिकांश क्षेत्रों में अच्छे हैं। संपत ने एक भ्रष्ट मंत्री के रूप में अच्छा काम किया और फिल्म में काफी गहराई लाई है। पहले भाग को हल्का रखा गया है जिसमें एक के बाद एक अच्छी डकैतियां दिखाई गए हैं और दूसरे भाग में वास्तविक कथानक को मोर के साथ उजागर किया गया है। जो सामाजिक संदेश दिखाया गया है वो काफी अच्छा है और इसमें काफी जुड़ाव है। फिल्म में मुख्य जोड़ी के बीच बिल्कुल भी केमिस्ट्री नहीं है, जो पहले भाग में थोड़ी कमी है। महरीन को अच्छी तरह से स्टाइल नहीं किया गया है और फिल्म में उनका ट्रैक हटा दिया गया है। एक बार जब कथानक सामने आ जाता है तो दूसरे भाग में चीजें काफी पूर्व अनुमानित और नियमित हो जाती है। कहानी में कुछ भी नया नहीं है क्योंकि डकैती पर आधारित ऐसी फिल्में पहले भी कई बार बन चुकी है। भले ही दिया गया सामाजिक संदेश अच्छा लगता है लेकिन जिस तरह की कार्यवाही का वर्णन किया गया है वो फिल्म को आवश्यक धक्का नहीं देता है। फिल्म का संगीत भी बेहद ही निराशाजनक है और दोनों हिस्सों में कोई मदद नहीं करता। साथ ही गाने फिल्म के प्रवाहों में स्पीड ब्रेकर के रूप में आते हैं। फिल्म ज्यादातर संपत और गोपीचंद के धागे पर चलती है और यहीं पर दूसरे भाग में चीजें थोड़ी उबायू हो जाती है। के राधा मोहन द्वारा प्रोडक्शन वैल्यू बहुत अच्छी है क्योंकि फिल्म पर बहुत पैसा खर्च किया गया है। कैमरा वर्क भी अच्छा है और फिल्म को अच्छी रोशनी में दिखाता है। सामाजिक मुद्दों पर लिखे गए संवाद बहुत अच्छे और मारक है। संपादन अच्छा है और प्रोडक्शन डिजाइन भी अच्छा है। निर्देशक चक्री की बात करें तो उन्होंने फिल्म में ठीक ठाक काम किया है। उन्होंने एक अपेक्षाकृत पुराना विषय चुना है और इसमें एक समसामयिक सामाजिक मुद्दा जोड़ा है, लेकिन दूसरे भाग में उन्होंने जिस तरह से फिल्म का प्रदर्शन किया है उसमें बहुत कुछ बाकी है, लेकिन वो चमक स्क्वैश के दौरान चीजों को अच्छी तरह से प्रबंधित करता है और चीजों को एक सुखद नोट पर समाप्त करता है। कुल मिलाकर पैंथम एक प्रचलित सामाजिक नाटक है जिसमें एक अच्छा संदेश दिखाया गया है। भले ही कहानी पुरानी हो, निर्देशक चक्री ने यह सुनिश्चित किया है कि पहले भाग में कुछ मजा हो और क्लाइमेक्स संतोषजनक हो। फिल्म के पास बी और सी केंद्रों में अच्छा प्रदर्शन करने का मौका है, लेकिन मल्टीप्लेक्स दर्शकों को चीजें काफी सामान्य लगेगी, इसलिए ये फिल्म इस सप्ताहांत में देखने का औसत स्कोर बन जाएगी। गोपीचंद की फिल्म पंथम देखने से पहले जान लीजिए यहाँ फिल्म का पूरा रिव्यू और साथ ही जाने कहा देखे इसे फ्री में। बता दें कि फिल्म पंथम को IMDb पर 10 में से 5.8 की रेटिंग मिली है और इस मूवी के लीड रोल में है गोपीचंद और महरीन परिजात। इस मूवी को डायरेक्ट किया है चक्रवर्ती रेड्डी ने, जो इससे पहले वेंकी मामा जैसे और भी कई साउथ की फिल्में
लिख चुके हैं और डायरेक्ट भी कर चुके हैं। और अब दोस्तों बात करें इस फिल्म के बजट की, तो यह फिल्म का बजट 25 करोड़ रुपए है। फिल्म का निर्माण 2017 के दौरान शुरू हुआ और 5 जुलाई 2018 को इसे रिलीज किया गया। ये एक तेलुगु भाषा एक्शन मूवी है। इस मूवी की कहानी में विक्रांत सुराणा नाम के लड़के के आसपास घूमती है, जो एक चोरी को रोकने की कोशिश करता है। इस मूवी में गोपीचंद ने अपने किरदार को काफ़ी अच्छे से निभाया है। यह मूवी एक बार देखने लायक है। बता दी कि पंथम मूवी की हिंदी डब राइट्स को बहुत ही पहले शिमारू एंटरटेनमेंट की तरफ से ले लिया गया था और इस मूवी की हिंदी डबिंग शिमारू स्टूडियो से बहुत ही पहले कंप्लीट करवा ली गई थी और इस मूवी का सेंसर भी हो गया है। इस मूवी को हिंदी डब टाइटल पैंथम दिया गया है। और अब बात करें इसमें कौन से वॉइस ओवर आर्टिस्ट आपको सुनने को मिलेंगे, तो दोस्तों गोपीचंद को इसमें वॉइस ओवर किया है शहनूर मिर्जा ने और यह मूवी आपको बहुत जल्द देखने को मिल जाएगी और इस मूवी को बहुत जल्द कलर सिनेप्लेक्स पर रिलीज किया जाएगा। हालांकि यह कहा नहीं जा सकता कि कब इस मूवी को रिलीज किया जाएगा, और जब भी इस मूवी की रिलीज डेट से जुड़ी कोई अपडेट आती है तो हम आपको इसके बारे में जानकारी दे देंगे। जाने कैसी है गोपीचंद की पंथम। फिल्म देखने से पहले जान लीजिए यह फिल्म का पूरा रिव्यू और वो भी हिंदी में। विक्रांत प्रसिद्ध राजनेताओं पर डकैतियों की एक श्रृंखला की योजना बनाता है। अपने घर पर एक बड़ी डकैती के बाद गृह मंत्री नायक जांच के आदेश देते हैं। उसे ये जानकर झटका लगा कि इन डकैतियों के पीछे का आदमी विक्रांत है और उसने ये सब क्यों किया है। ये विक्रांत कौन है, उनकी पृष्ठभूमि की कहानी क्या है, उन्होंने नेताओं पर निशाना क्यों साधा, ये सब जानने के लिए आपको सिल्वर स्क्रीन पर फिल्म देखनी होगी। हीरो गोपीचंद आगे बढ़कर नेतृत्व करते हैं और शानदार प्रदर्शन करते हैं। जैसा कि अपेक्षित था, वो अपनी लड़ाई में अच्छे हैं और उन्होंने अपने अभिनय में भी सुधार किया है। विशेष रूप से महत्वपूर्ण अदालती दृश्य के दौरान उनका प्रदर्शन बहुत ही प्रभावशाली है। पृथ्वी और श्रीनिवास रेड्डी की विशेषता वाले कॉमेडी एपिसोड अधिकांश क्षेत्रों में अच्छे है। संपत ने एक भ्रष्ट मंत्री के रूप में अच्छा काम किया और फिल्म में काफी गहराई लाई है। पहले भाग को हल्का रखा गया है, जिसमें एक के बाद एक अच्छी डकैतियां दिखाई गए हैं और दूसरे भाग में वास्तविक कथानक को मोर के साथ उजागर किया गया है। जो सामाजिक संदेश दिखाया गया है वो काफी अच्छा है और इसमें काफी जुड़ाव है। फिल्म में मुख्य जोड़ी के बीच बिल्कुल भी केमिस्ट्री नहीं है, जो पहले भाग में थोड़ी कमी है। महरीन को अच्छी तरह से स्टाइल नहीं किया गया है और फिल्म में उनका ट्रैक हटा दिया गया है। एक बार जब कथानक सामने आ जाता है तो दूसरे भाग में चीजें काफी पूर्व अनुमानित और नियमित हो जाती है। कहानी में कुछ भी नया नहीं है, क्योंकि डकैती पर आधारित ऐसी फिल्में पहले भी कई बार बन चुकी है। भले ही दिया गया सामाजिक संदेश अच्छा लगता है, लेकिन जिस तरह की कार्यवाही का वर्णन किया गया है वो फिल्म को आवश्यक धक्का नहीं देता है। फिल्म का संगीत भी बेहद ही निराशाजनक है और दोनों हिस्सों में कोई मदद नहीं करता। साथ ही गाने फिल्म के प्रवाहों में स्पीड ब्रेकर के रूप में आते हैं। फिल्म ज्यादातर संपत और गोपीचंद के धागे पर चलती है और यहीं पर दूसरे भाग में चीजें थोड़ी उबायू हो जाती है। के राधा मोहन द्वारा प्रोडक्शन वैल्यू बहुत अच्छी है, क्योंकि फिल्म पर बहुत पैसा खर्च किया गया है। कैमरा वर्क भी अच्छा है और फिल्म को अच्छी रोशनी में दिखाता है। सामाजिक मुद्दों पर लिखे गए संवाद बहुत अच्छे और मारक है। संपादन अच्छा है और प्रोडक्शन डिजाइन भी अच्छा है। निर्देशक चक्री की बात करें तो उन्होंने फिल्म में ठीक ठाक काम किया है। उन्होंने एक अपेक्षाकृत पुराना विषय चुना है और इसमें एक समसामयिक सामाजिक मुद्दा जोड़ा है, लेकिन दूसरे भाग में उन्होंने जिस तरह से फिल्म का प्रदर्शन किया है उसमें बहुत कुछ बाकी है, लेकिन वो चमक स्क्वैश के दौरान चीजों को अच्छी तरह से प्रबंधित करता है और चीजों को एक सुखद नोट पर समाप्त करता है। कुल मिलाकर पैंथम एक प्रचलित सामाजिक नाटक है, जिसमें एक अच्छा संदेश दिखाया गया है। भले ही कहानी पुरानी हो, निर्देशक चक्री ने ये सुनिश्चित किया है कि पहले भाग में कुछ मजा हो और क्लाइमेक्स संतोषजनक हो। फिल्म के पास बी और सी केंद्रों में अच्छा प्रदर्शन करने का मौका है, लेकिन मल्टीप्लेक्स दर्शकों को चीजें काफी सामान्य लगेगी, इसलिए ये फिल्म इस सप्ताहांत में देखने का औसत स्कोर बन जाएगी।
गोपीचंद की फिल्म पंथम देखने से पहले जान लीजिए यहाँ फिल्म का पूरा रिव्यू और साथ ही जाने कहा देखे इसे फ्री में। बता दें कि फिल्म पंथम को IMDb पर 10 में से 5.8 की रेटिंग मिली है और इस मूवी के लीड रोल में है गोपीचंद और महरीन परिजात। इस मूवी को डायरेक्ट किया है चक्रवर्ती रेड्डी ने, जो इससे पहले वेंकी मामा जैसे और भी कई साउथ की फिल्में लिख चुके हैं और डायरेक्ट भी कर चुके हैं। और अब दोस्तों बात करें इस फिल्म के बजट की, तो यह फिल्म का बजट 25 करोड़ रुपए है। फिल्म का निर्माण 2017 के दौरान शुरू हुआ और 5 जुलाई 2018 को इसे रिलीज किया गया। ये एक तेलुगु भाषा एक्शन मूवी है। इस मूवी की कहानी में विक्रांत सुराना नाम के लड़के के आसपास घूमती है, जो एक चोरी को रोकने की कोशिश करता है। इस मूवी में गोपीचंद ने अपने किरदार को काफी अच्छे से निभाया है। यह मूवी एक बार देखने लायक है। बता दी कि पंथम मूवी की हिंदी डब राइट्स को बहुत ही पहले शिमारू एंटरटेनमेंट की तरफ से ले लिया गया था और इस मूवी की हिंदी डबिंग शिमारू स्टूडियो से बहुत ही पहले कंप्लीट करवा ली गई थी और इस मूवी का सेंसर भी हो गया है। इस मूवी को हिंदी डब टाइटल पंथम दिया गया है। और अब बात करें इसमें कौन से वॉइस ओवर आर्टिस्ट आपको सुनने को मिलेंगे, तो दोस्तों गोपीचंद को इसमें वॉइस ओवर किया है शहनूर मिर्जा ने और यह मूवी आपको बहुत जल्द देखने को मिल जाएगी और इस मूवी को बहुत जल्द कलर सिनेप्लेक्स पर रिलीज किया जाएगा। हालांकि यह कहा नहीं जा सकता कि कब इस मूवी को रिलीज किया जाएगा, और जब भी इस मूवी की रिलीज डेट से जुड़ी कोई अपडेट आती है तो हम आपको इसके बारे में जानकारी दे देंगे। जाने कैसी है गोपीचंद की पंथम। फिल्म देखने से पहले जान लीजिए यह फिल्म का पूरा रिव्यू और वो भी हिंदी में। विक्रांत प्रसिद्ध राजनेताओं पर डकैतियों की एक श्रृंखला की योजना बनाता है। अपने घर पर एक बड़ी डकैती के बाद गृह मंत्री नायक जांच के आदेश देते हैं। उसे ये जानकर झटका लगा कि इन डकैतियों के पीछे का आदमी विक्रांत है और उसने ये सब क्यों किया है। ये विक्रांत कौन है, उनकी पृष्ठभूमि की कहानी क्या है, उन्होंने नेताओं पर निशाना क्यों साधा, ये सब जानने के लिए आपको सिल्वर स्क्रीन पर फिल्म देखनी होगी। हीरो गोपीचंद आगे बढ़कर नेतृत्व करते हैं और शानदार प्रदर्शन करते हैं। जैसा कि अपेक्षित था, वो अपनी लड़ाई में अच्छे हैं और उन्होंने अपने अभिनय में भी सुधार किया है। विशेष रूप से महत्वपूर्ण अदालती दृश्य के दौरान उनका प्रदर्शन बहुत ही प्रभावशाली है। पृथ्वी और श्रीनिवास रेड्डी की विशेषता वाले कॉमेडी एपिसोड अधिकांश क्षेत्रों में अच्छे है। संपत ने एक भ्रष्ट मंत्री के रूप में अच्छा काम किया और फिल्म में काफी गहराई लाई है। पहले भाग को हल्का रखा गया है, जिसमें एक के बाद एक अच्छी डकैतियां दिखाई गए हैं और दूसरे भाग में वास्तविक कथानक को मोर के साथ उजागर किया गया है। जो सामाजिक संदेश दिखाया गया है वो काफी अच्छा है और इसमें काफी जुड़ाव है। फिल्म में मुख्य जोड़ी के बीच बिल्कुल भी केमिस्ट्री नहीं है, जो पहले भाग में थोड़ी कमी है। महरीन को अच्छी तरह से स्टाइल नहीं किया गया है और फिल्म में उनका ट्रैक हटा दिया गया है। एक बार जब कथानक सामने आ जाता है तो दूसरे भाग में चीजें काफी पूर्व अनुमानित और नियमित हो जाती है। कहानी में कुछ भी नया नहीं है, क्योंकि डकैती पर आधारित ऐसी फिल्में पहले भी कई बार बन चुकी है। भले ही दिया गया सामाजिक संदेश अच्छा लगता है, लेकिन जिस तरह की कार्यवाही का वर्णन किया गया है वो फिल्म को आवश्यक धक्का नहीं देता है। फिल्म का संगीत भी बेहद ही निराशाजनक है और दोनों हिस्सों में कोई मदद नहीं करता। साथ ही गाने फिल्म के प्रवाहों में स्पीड ब्रेकर के रूप में आते हैं। फिल्म ज्यादातर संपत और गोपीचंद के धागे पर चलती है और यहीं पर दूसरे भाग में चीजें थोड़ी उबायू हो जाती है। के राधा मोहन द्वारा प्रोडक्शन वैल्यू बहुत अच्छी है, क्योंकि फिल्म पर बहुत पैसा खर्च किया गया है। कैमरा वर्क भी अच्छा है और फिल्म को अच्छी रोशनी में दिखाता है। सामाजिक मुद्दों पर लिखे गए संवाद बहुत अच्छे और मारक है। संपादन अच्छा है और प्रोडक्शन डिजाइन भी अच्छा है। निर्देशक चक्री की बात करें तो उन्होंने फिल्म में ठीक ठाक काम किया है। उन्होंने एक अपेक्षाकृत पुराना विषय चुना है और इसमें एक समसामयिक सामाजिक मुद्दा जोड़ा है, लेकिन दूसरे भाग में उन्होंने जिस तरह से फिल्म का प्रदर्शन किया है उसमें बहुत कुछ बाकी है, लेकिन वो चमच स्क्वाश के दौरान चीजों को अच्छी तरह से प्रबंधित करता है और चीजों को एक सुखद नोट पर समाप्त करता है। कुल मिलाकर पैंथम एक प्रचलित सामाजिक नाटक है, जिसमें एक अच्छा संदेश दिखाया गया है। भले ही कहानी पुरानी हो,
निर्देशक चक्री ने यह सुनिश्चित किया है कि पहले भाग में कुछ मजा हो और क्लाइमेक्स संतोषजनक हो। फिल्म के पास बी और सी केंद्रों में अच्छा प्रदर्शन करने का मौका है, लेकिन मल्टीप्लेक्स दर्शकों को चीजें काफी सामान्य लगेगी, इसलिए ये फिल्म इस सप्ताहांत में देखने का औसत स्कोर बन जाएगी। गोपीचंद की फिल्म पंथम देखने से पहले जान लीजिए यहाँ फिल्म का पूरा रिव्यू और साथ ही जाने कहा देखे इसे फ्री में। बता दें कि फिल्म पंथम को IMDb पर 10 में से 5.8 की रेटिंग मिली है और इस मूवी के लीड रोल में है गोपीचंद और महरीन परिजात। इस मूवी को डायरेक्ट किया है चक्रवर्ती रेड्डी ने, जो इससे पहले वेंकी मामा जैसे और भी कई साउथ की फिल्में लिख चुके हैं और डायरेक्ट भी कर चुके हैं। और अब दोस्तों बात करें इस फिल्म के बजट की, तो यह फिल्म का बजट 25 करोड़ रुपए है। फिल्म का निर्माण 2017 के दौरान शुरू हुआ और 5 जुलाई 2018 को इसे रिलीज किया गया। ये एक तेलुगु भाषा एक्शन मूवी है। इस मूवी की कहानी में विक्रांत सुराना नाम के लड़के के आसपास घूमती है, जो एक चोरी को रोकने की कोशिश करता है। इस मूवी में गोपीचंद ने अपने किरदार को काफी अच्छे से निभाया है। यह मूवी एक बार देखने लायक है। बता दी कि पंथम मूवी के हिंदी डब राइट्स को बहुत ही पहले शिमारू एंटरटेनमेंट की तरफ से ले लिया गया था और इस मूवी की हिंदी डबिंग शिमारू स्टूडियो से बहुत ही पहले कंप्लीट करवा ली गई थी और इस मूवी का सेंसर भी हो गया है। इस मूवी को हिंदी डब टाइटल पंथम दिया गया है। और अब बात करें इसमें कौन से वॉइस ओवर आर्टिस्ट आपको सुनने को मिलेंगे, तो दोस्तों गोपीचंद को इसमें वॉइस ओवर किया है शहनूर मिर्जा ने और यह मूवी आपको बहुत जल्द देखने को मिल जाएगी और इस मूवी को बहुत जल्द कलर सिनेप्लेक्स पर रिलीज किया जाएगा। हालांकि यह कहा नहीं जा सकता कि कब इस मूवी को रिलीज किया जाएगा, और जब भी इस मूवी की रिलीज डेट से जुड़ी कोई अपडेट आती है तो हम आपको इसके बारे में जानकारी दे देंगे। जाने कैसी है गोपीचंद की पंथम। फिल्म देखने से पहले जान लीजिए यह फिल्म का पूरा रिव्यू और वो भी हिंदी में। विक्रांत प्रसिद्ध राजनेताओं पर डकैतियों की एक श्रृंखला की योजना बनाता है। अपने घर पर एक बड़ी डकैती के बाद गृह मंत्री नायक जांच के आदेश देते हैं। उसे ये जानकर झटका लगा कि इन डकैतियों के पीछे का आदमी विक्रांत है और उसने ये सब क्यों किया है। ये विक्रांत कौन है, उनकी पृष्ठभूमि की कहानी क्या है, उन्होंने नेताओं पर निशाना क्यों साधा, ये सब जानने के लिए आपको सिल्वर स्क्रीन पर फिल्म देखनी होगी। हीरो गोपीचंद आगे बढ़कर नेतृत्व करते हैं और शानदार प्रदर्शन करते हैं। जैसा कि अपेक्षित था, वो अपनी लड़ाई में अच्छे हैं और उन्होंने अपने अभिनय में भी सुधार किया है। विशेष रूप से महत्वपूर्ण अदालती दृश्य के दौरान उनका प्रदर्शन बहुत ही प्रभावशाली है। पृथ्वी और श्रीनिवास रेड्डी की विशेषता वाले कॉमेडी एपिसोड अधिकांश क्षेत्रों में अच्छे है। संपत ने एक भ्रष्ट मंत्री के रूप में अच्छा काम किया और फिल्म में काफी गहराई लाई है। पहले भाग को हल्का रखा गया है, जिसमें एक के बाद एक अच्छी डकैतियां दिखाई गए हैं और दूसरे भाग में वास्तविक कथानक को मोर के साथ उजागर किया गया है। जो सामाजिक संदेश दिखाया गया है वो काफी अच्छा है और इसमें काफी जुड़ाव है। फिल्म में मुख्य जोड़ी के बीच बिल्कुल भी केमिस्ट्री नहीं है, जो पहले भाग में थोड़ी कमी है। महरीन को अच्छी तरह से स्टाइल नहीं किया गया है और फिल्म में उनका ट्रैक हटा दिया गया है। एक बार जब कथानक सामने आ जाता है तो दूसरे भाग में चीजें काफी पूर्व अनुमानित और नियमित हो जाती है। कहानी में कुछ भी नया नहीं है, क्योंकि डकैती पर आधारित ऐसी फिल्में पहले भी कई बार बन चुकी है। भले ही दिया गया सामाजिक संदेश अच्छा लगता है, लेकिन जिस तरह की कार्यवाही का वर्णन किया गया है वो फिल्म को आवश्यक धक्का नहीं देता है। फिल्म का संगीत भी बेहद ही निराशाजनक है और दोनों हिस्सों में कोई मदद नहीं करता। साथ ही गाने फिल्म के प्रवाहों में स्पीड ब्रेकर के रूप में आते हैं। फिल्म ज्यादातर संपत और गोपीचंद के धागे पर चलती है और यहीं पर दूसरे भाग में चीजें थोड़ी उबायू हो जाती है। के राधा मोहन द्वारा प्रोडक्शन वैल्यू बहुत अच्छी है, क्योंकि फिल्म पर बहुत पैसा खर्च किया गया है। कैमरा वर्क भी अच्छा है और फिल्म को अच्छी रोशनी में दिखाता है। सामाजिक मुद्दों पर लिखे गए संवाद बहुत अच्छे और मारक है। संपादन अच्छा है और प्रोडक्शन डिजाइन भी अच्छा है। निर्देशक चक्री की बात करें तो उन्होंने फिल्म में ठीक ठाक काम किया है। उन्होंने एक अपेक्षाकृत पुराना विषय चुना है और इसमें एक समसामयिक सामाजिक मुद्दा जोड़ा है, लेकिन दूसरे भाग में उन्होंने जिस तरह से फिल्म का प्रदर्शन किया है उसमें बहुत कुछ बाकी है, लेकिन वो चमत्कार के
दौरान चीजों को अच्छी तरह से प्रबंधित करता है और चीजों को एक सुखद नोट पर समाप्त करता है। कुल मिलाकर पैंथम एक प्रचलित सामाजिक नाटक है जिसमें एक अच्छा संदेश दिखाया गया है। भले ही कहानी पुरानी हो, निदेशक चक्री ने यह सुनिश्चित किया है कि पहले भाग में कुछ मजा हो और क्लाइमेक्स संतोषजनक हो। फिल्म के पास बी और सी केंद्रों में अच्छा प्रदर्शन करने का मौका है, लेकिन मल्टीप्लेक्स दर्शकों को चीजें काफी सामान्य लगेगी, इसलिए ये फिल्म इस सप्ताहांत में देखने का औसत स्कोर बन जाएगी। गोपीचंद की फिल्म पंथम देखने से पहले जान लीजिए यहाँ फिल्म का पूरा रिव्यू और साथ ही जाने कहा देखे इसे फ्री में। बता दें कि फिल्म पंथम को IMDb पर 10 में से 5.8 की रेटिंग मिली है और इस मूवी के लीड रोल में है गोपीचंद और महरीन परिजात। इस मूवी को डायरेक्ट किया है चक्रवर्ती रेड्डी ने, जो इससे पहले वेंकी मामा जैसे और भी कई साउथ की फिल्में लिख चुके हैं और डायरेक्ट भी कर चुके हैं। और अब दोस्तों बात करें इस फिल्म के बजट की, तो यह फिल्म का बजट 25 करोड़ रुपए है। फिल्म का निर्माण 2017 के दौरान शुरू हुआ और 5 जुलाई 2018 को इसे रिलीज किया गया। ये एक तेलुगु भाषा एक्शन मूवी है। इस मूवी की कहानी में विक्रांत सुराना नाम के लड़के के आसपास घूमती है, जो एक चोरी को रोकने की कोशिश करता है। इस मूवी में गोपीचंद ने अपने किरदार को काफी अच्छे से निभाया है। यह मूवी एक बार देखने लायक है। बता दी कि पंथम मूवी के हिंदी डब राइट्स को बहुत ही पहले शिमारू एंटरटेनमेंट की तरफ से ले लिया गया था और इस मूवी की हिंदी डबिंग शिमारू स्टूडियो से बहुत ही पहले कंप्लीट करवा ली गई थी और इस मूवी का सेंसर भी हो गया है। इस मूवी को हिंदी डब टाइटल पंथम दिया गया है। और अब बात करें इसमें कौन से वॉइस ओवर आर्टिस्ट आपको सुनने को मिलेंगे, तो दोस्तों गोपीचंद को इसमें वॉइस ओवर किया है शहनूर मिर्जा ने और यह मूवी आपको बहुत जल्द देखने को मिल जाएगी और इस मूवी को बहुत जल्द कलर सिनेप्लेक्स पर रिलीज किया जाएगा। हालांकि यह कहा नहीं जा सकता कि कब इस मूवी को रिलीज किया जाएगा, और जब भी इस मूवी की रिलीज डेट से जुड़ी कोई अपडेट आती है तो हम आपको इसके बारे में जानकारी दे देंगे। जाने कैसी है गोपीचंद की पंथम। फिल्म देखने से पहले जान लीजिए यह फिल्म का पूरा रिव्यू और वो भी हिंदी में। विक्रांत प्रसिद्ध राजनेताओं पर डकैतियों की एक श्रृंखला की योजना बनाता है। अपने घर पर एक बड़ी डकैती के बाद गृह मंत्री नायक जांच के आदेश देते हैं। उसे ये जानकर झटका लगा कि इन डकैतियों के पीछे का आदमी विक्रांत है और उसने ये सब क्यों किया है। ये विक्रांत कौन है, उनकी पृष्ठभूमि की कहानी क्या है, उन्होंने नेताओं पर निशाना क्यों साधा, ये सब जानने के लिए आपको सिल्वर स्क्रीन पर फिल्म देखनी होगी। हीरो गोपीचंद आगे बढ़कर नेतृत्व करते हैं और शानदार प्रदर्शन करते हैं। जैसा कि अपेक्षित था, वो अपनी लड़ाई में अच्छे हैं और उन्होंने अपने अभिनय में भी सुधार किया है। विशेष रूप से महत्वपूर्ण अदालती दृश्य के दौरान उनका प्रदर्शन बहुत ही प्रभावशाली है। पृथ्वी और श्रीनिवास रेड्डी की विशेषता वाले कॉमेडी एपिसोड अधिकांश क्षेत्रों में अच्छे है। संपत ने एक भ्रष्ट मंत्री के रूप में अच्छा काम किया और फिल्म में काफी गहराई लाई है। पहले भाग को हल्का रखा गया है, जिसमें एक के बाद एक अच्छी डकैतियां दिखाई गए हैं और दूसरे भाग में वास्तविक कथानक को मोर के साथ उजागर किया गया है। जो सामाजिक संदेश दिखाया गया है वो काफी अच्छा है और इसमें काफी जुड़ाव है। फिल्म में मुख्य जोड़ी के बीच बिल्कुल भी केमिस्ट्री नहीं है, जो पहले भाग में थोड़ी कमी है। महरीन को अच्छी तरह से स्टाइल नहीं किया गया है और फिल्म में उनका ट्रैक हटा दिया गया है। एक बार जब कथानक सामने आ जाता है तो दूसरे भाग में चीजें काफी पूर्व अनुमानित और नियमित हो जाती है। कहानी में कुछ भी नया नहीं है, क्योंकि डकैती पर आधारित ऐसी फिल्में पहले भी कई बार बन चुकी है। भले ही दिया गया सामाजिक संदेश अच्छा लगता है, लेकिन जिस तरह की कार्यवाही का वर्णन किया गया है वो फिल्म को आवश्यक धक्का नहीं देता है। फिल्म का संगीत भी बेहद ही निराशाजनक है और दोनों हिस्सों में कोई मदद नहीं करता। साथ ही गाने फिल्म के प्रवाहों में स्पीड ब्रेकर के रूप में आते हैं। फिल्म ज्यादातर संपत और गोपीचंद के धागे पर चलती है और यहीं पर दूसरे भाग में चीजें थोड़ी उबायू हो जाती है। के राधा मोहन द्वारा प्रोडक्शन वैल्यू बहुत अच्छी है, क्योंकि फिल्म पर बहुत पैसा खर्च किया गया है। कैमरा वर्क भी अच्छा है और फिल्म को अच्छी रोशनी में दिखाता है। सामाजिक मुद्दों पर लिखे गए संवाद बहुत अच्छे और मारक है। संपादन अच्छा है और प्रोडक्शन डिजाइन भी अच्छा है। निर्देशक चक्री की बात करें तो उन्होंने फिल्म में ठीक ठाक काम किया है।
उन्होंने एक अपेक्षाकृत पुराना विषय चुना है और इसमें एक समसामयिक सामाजिक मुद्दा जोड़ा है, लेकिन दूसरे भाग में उन्होंने जिस तरह से फिल्म का प्रदर्शन किया है उसमें बहुत कुछ बाकी है, लेकिन वो चमक स्क्वैश के दौरान चीजों को अच्छी तरह से प्रबंधित करता है और चीजों को एक सुखद नोट पर समाप्त करता है। कुल मिलाकर पैंथम एक प्रचलित सामाजिक नाटक है जिसमें एक अच्छा संदेश दिखाया गया है। भले ही कहानी पुरानी हो, निदेशक चक्री ने यह सुनिश्चित किया है कि पहले भाग में कुछ मजा हो और क्लाइमेक्स संतोषजनक हो, फिल्म के पास बी और सी केंद्रों में अच्छा प्रदर्शन करने का मौका है, लेकिन मल्टीप्लेक्स दर्शकों को चीजें काफी सामान्य लगेगी, इसलिए ये फिल्म इस सप्ताहांत में देखने का औसत स्कोर बन जाएगी। गोपीचंद की फिल्म पंथम देखने से पहले जान लीजिए यहाँ फिल्म का पूरा रिव्यू और साथ ही जाने कहा देखे इसे फ्री में। बता दें कि फिल्म पंथम को IMDb पर 10 में से 5.8 की रेटिंग मिली है और इस मूवी के लीड रोल में है गोपीचंद और महरीन परिजात। इस मूवी को डायरेक्ट किया है चक्रवर्ती रेड्डी ने, जो इससे पहले वेंकी मामा जैसे और भी कई साउथ की फिल्में लिख चुके हैं और डायरेक्ट भी कर चुके हैं। और अब दोस्तों बात करें इस फिल्म के बजट की, तो यह फिल्म का बजट 25 करोड़ रुपए है। फिल्म का निर्माण 2017 के दौरान शुरू हुआ और 5 जुलाई 2018 को इसे रिलीज किया गया। ये एक तेलुगु भाषा एक्शन मूवी है। इस मूवी की कहानी में विक्रांत सुराना नाम के लड़के के आसपास घूमती है, जो एक चोरी को रोकने की कोशिश करता है। इस मूवी में गोपीचंद ने अपने किरदार को काफी अच्छे से निभाया है। यह मूवी एक बार देखने लायक है। बता दी कि पंथम मूवी के हिंदी डब राइट्स को बहुत ही पहले शिमारू एंटरटेनमेंट की तरफ से ले लिया गया था और इस मूवी की हिंदी डबिंग शिमारू स्टूडियो से बहुत ही पहले कंप्लीट करवा ली गई थी और इस मूवी का सेंसर भी हो गया है। इस मूवी को हिंदी डब टाइटल पंथम दिया गया है। और अब बात करें इसमें कौन से वॉइस ओवर आर्टिस्ट आपको सुनने को मिलेंगे, तो दोस्तों गोपीचंद को इसमें वॉइस ओवर किया है शहनूर मिर्जा ने और यह मूवी आपको बहुत जल्द देखने को मिल जाएगी और इस मूवी को बहुत जल्द कलर सिनेप्लेक्स पर रिलीज किया जाएगा। हालांकि यह कहा नहीं जा सकता कि कब इस मूवी को रिलीज किया जाएगा, और जब भी इस मूवी की रिलीज डेट से जुड़ी कोई अपडेट आती है तो हम आपको इसके बारे में जानकारी दे देंगे। जाने कैसी है गोपीचंद की पंथम। फिल्म देखने से पहले जान लीजिए यह फिल्म का पूरा रिव्यू और वो भी हिंदी में। विक्रांत प्रसिद्ध राजनेताओं पर डकैतियों की एक श्रृंखला की योजना बनाता है। अपने घर पर एक बड़ी डकैती के बाद गृह मंत्री नायक जांच के आदेश देते हैं। उसे ये जानकर झटका लगा कि इन डकैतियों के पीछे का आदमी विक्रांत है और उसने ये सब क्यों किया है। ये विक्रांत कौन है, उनकी पृष्ठभूमि की कहानी क्या है, उन्होंने नेताओं पर निशाना क्यों साधा, ये सब जानने के लिए आपको सिल्वर स्क्रीन पर फिल्म देखनी होगी। हीरो गोपीचंद आगे बढ़कर नेतृत्व करते हैं और शानदार प्रदर्शन करते हैं। जैसा कि अपेक्षित था, वो अपनी लड़ाई में अच्छे हैं और उन्होंने अपने अभिनय में भी सुधार किया है। विशेष रूप से महत्वपूर्ण अदालती दृश्य के दौरान उनका प्रदर्शन बहुत ही प्रभावशाली है। पृथ्वी और श्रीनिवास रेड्डी की विशेषता वाले कॉमेडी एपिसोड अधिकांश क्षेत्रों में अच्छे है। संपत ने एक भ्रष्ट मंत्री के रूप में अच्छा काम किया और फिल्म में काफी गहराई लाई है। पहले भाग को हल्का रखा गया है जिसमें एक के बाद एक अच्छी डकैतियां दिखाई गए हैं और दूसरे भाग में वास्तविक कथानक को मोर के साथ उजागर किया गया है। जो सामाजिक संदेश दिखाया गया है वो काफी अच्छा है और इसमें काफी जुड़ाव है। फिल्म में मुख्य जोड़ी के बीच बिल्कुल भी केमिस्ट्री नहीं है, जो पहले भाग में थोड़ी कमी है। महरीन को अच्छी तरह से स्टाइल नहीं किया गया है और फिल्म में उनका ट्रैक हटा दिया गया है। एक बार जब कथानक सामने आ जाता है तो दूसरे भाग में चीजें काफी पूर्व अनुमानित और नियमित हो जाती है। कहानी में कुछ भी नया नहीं है क्योंकि डकैती पर आधारित ऐसी फिल्में पहले भी कई बार बन चुकी है। भले ही दिया गया सामाजिक संदेश अच्छा लगता है, लेकिन जिस तरह की कार्यवाही का वर्णन किया गया है वो फिल्म को आवश्यक धक्का नहीं देता है। फिल्म का संगीत भी बेहद ही निराशाजनक है और दोनों हिस्सों में कोई मदद नहीं करता। साथ ही गाने फिल्म के प्रवाहों में स्पीड ब्रेकर के रूप में आते हैं। फिल्म ज्यादातर संपत और गोपीचंद के धागे पर चलती है और यहीं पर दूसरे भाग में चीजें थोड़ी उबायू हो जाती है। के राधा मोहन द्वारा प्रोडक्शन वैल्यू बहुत अच्छी है क्योंकि फिल्म पर बहुत पैसा खर्च किया गया है।
कैमरा वर्क भी अच्छा है और फिल्म को अच्छी रोशनी में दिखाता है। सामाजिक मुद्दों पर लिखे गए संवाद बहुत अच्छे और मारक है। संपादन अच्छा है और प्रोडक्शन डिजाइन भी अच्छा है। निर्देशक चक्री की बात करें तो उन्होंने फिल्म में ठीक ठाक काम किया है। उन्होंने एक अपेक्षाकृत पुराना विषय चुना है और इसमें एक समसामयिक सामाजिक मुद्दा जोड़ा है, लेकिन दूसरे भाग में उन्होंने जिस तरह से फिल्म का प्रदर्शन किया है उसमें बहुत कुछ बाकी है, लेकिन वो चमक स्क्वैश के दौरान चीजों को अच्छी तरह से प्रबंधित करता है और चीजों को एक सुखद नोट पर समाप्त करता है। कुल मिलाकर पैंथम एक प्रचलित सामाजिक नाटक है जिसमें एक अच्छा संदेश दिखाया गया है। भले ही कहानी पुरानी हो, निर्देशक चक्री ने यह सुनिश्चित किया है कि पहले भाग में कुछ मजा हो और क्लाइमेक्स संतोषजनक हो। फिल्म के पास बी और सी केंद्रों में अच्छा प्रदर्शन करने का मौका है, लेकिन मल्टीप्लेक्स दर्शकों को चीजें काफी सामान्य लगेगी, इसलिए ये फिल्म इस सप्ताहांत में देखने का औसत स्कोर बन जाएगी। गोपीचंद की फिल्म पंथम देखने से पहले जान लीजिए यहाँ फिल्म का पूरा रिव्यू और साथ ही जाने कहा देखे इसे फ्री में। बता दें कि फिल्म पंथम को IMDb पर 10 में से 5.8 की रेटिंग मिली है और इस मूवी के लीड रोल में है गोपीचंद और महरीन परिजात। इस मूवी को डायरेक्ट किया है चक्रवर्ती रेड्डी ने, जो इससे पहले वेंकी मामा जैसे और भी कई साउथ की फिल्में लिख चुके हैं और डायरेक्ट भी कर चुके हैं। और अब दोस्तों बात करें इस फिल्म के बजट की, तो यह फिल्म का बजट 25 करोड़ रुपए है। फिल्म का निर्माण 2017 के दौरान शुरू हुआ और 5 जुलाई 2018 को इसे रिलीज किया गया। ये एक तेलुगु भाषा एक्शन मूवी है। इस मूवी की कहानी में विक्रांत सुराना नाम के लड़के के आसपास घूमती है, जो एक चोरी को रोकने की कोशिश करता है। इस मूवी में गोपीचंद ने अपने किरदार को काफी अच्छे से निभाया है। यह मूवी एक बार देखने लायक है। बता दी कि पंथम मूवी के हिंदी डब राइट्स को बहुत ही पहले शिमारू एंटरटेनमेंट की तरफ से ले लिया गया था और इस मूवी की हिंदी डबिंग शिमारू स्टूडियो से बहुत ही पहले कंप्लीट करवा ली गई थी और इस मूवी का सेंसर भी हो गया है। इस मूवी को हिंदी डब टाइटल पंथम दिया गया है। और अब बात करें इसमें कौन से वॉइस ओवर आर्टिस्ट आपको सुनने को मिलेंगे, तो दोस्तों गोपीचंद को इसमें वॉइस ओवर किया है शहनूर मिर्जा ने और यह मूवी आपको बहुत जल्द देखने को मिल जाएगी और इस मूवी को बहुत जल्द कलर सिनेप्लेक्स पर रिलीज किया जाएगा। हालांकि यह कहा नहीं जा सकता कि कब इस मूवी को रिलीज किया जाएगा, और जब भी इस मूवी की रिलीज डेट से जुड़ी कोई अपडेट आती है तो हम आपको इसके बारे में जानकारी दे देंगे। जाने कैसी है गोपीचंद की पंथम। फिल्म देखने से पहले जान लीजिए यह फिल्म का पूरा रिव्यू और वो भी हिंदी में। विक्रांत प्रसिद्ध राजनेताओं पर डकैतियों की एक श्रृंखला की योजना बनाता है। अपने घर पर एक बड़ी डकैती के बाद गृह मंत्री नायक जांच के आदेश देते हैं। उसे ये जानकर झटका लगा कि इन डकैतियों के पीछे का आदमी विक्रांत है और उसने ये सब क्यों किया है। ये विक्रांत कौन है, उनकी पृष्ठभूमि की कहानी क्या है, उन्होंने नेताओं पर निशाना क्यों साधा, ये सब जानने के लिए आपको सिल्वर स्क्रीन पर फिल्म देखनी होगी। हीरो गोपीचंद आगे बढ़कर नेतृत्व करते हैं और शानदार प्रदर्शन करते हैं। जैसा कि अपेक्षित था, वो अपनी लड़ाई में अच्छे हैं और उन्होंने अपने अभिनय में भी सुधार किया है। विशेष रूप से महत्वपूर्ण अदालती दृश्य के दौरान उनका प्रदर्शन बहुत ही प्रभावशाली है। पृथ्वी और श्रीनिवास रेड्डी की विशेषता वाले कॉमेडी एपिसोड अधिकांश क्षेत्रों में अच्छे है। संपत ने एक भ्रष्ट मंत्री के रूप में अच्छा काम किया और फिल्म में काफी गहराई लाई है। पहले भाग को हल्का रखा गया है, जिसमें एक के बाद एक अच्छी डकैतियां दिखाई गए हैं और दूसरे भाग में वास्तविक कथानक को मोर के साथ उजागर किया गया है। जो सामाजिक संदेश दिखाया गया है वो काफी अच्छा है और इसमें काफी जुड़ाव है। फिल्म में मुख्य जोड़ी के बीच बिल्कुल भी केमिस्ट्री नहीं है, जो पहले भाग में थोड़ी कमी है। महरीन को अच्छी तरह से स्टाइल नहीं किया गया है और फिल्म में उनका ट्रैक हटा दिया गया है। एक बार जब कथानक सामने आ जाता है तो दूसरे भाग में चीजें काफी पूर्व अनुमानित और नियमित हो जाती है। कहानी में कुछ भी नया नहीं है, क्योंकि डकैती पर आधारित ऐसी फिल्में पहले भी कई बार बन चुकी है। भले ही दिया गया सामाजिक संदेश अच्छा लगता है, लेकिन जिस तरह की कार्यवाही का वर्णन किया गया है वो फिल्म को आवश्यक धक्का नहीं देता है। फिल्म का संगीत भी बेहद ही निराशाजनक है और दोनों हिस्सों में कोई मदद नहीं करता। साथ ही गाने फिल्म के प्रवाहों में स्पीड ब्रेकर के रूप में आते हैं।
फिल्म ज्यादातर संपत और गोपीचंद के धागे पर चलती है और यही पर दूसरे भाग में चीजें थोड़ी उबायू हो जाती है कि राधा मोहन द्वारा प्रोडक्शन वैल्यू बहुत अच्छी है क्योंकि फिल्म पर बहुत पैसा खर्च किया गया है। कैमरा वर्क भी अच्छा है और फिल्म को अच्छी रोशनी में दिखाता है। सामाजिक मुद्दों पर लिखे गए संवाद बहुत अच्छे और मारक है। संपादन अच्छा है और प्रोडक्शन डिजाइन भी अच्छा है। निर्देशक चक्री की बात करें तो उन्होंने फिल्म में ठीक ठाक काम किया है। उन्होंने एक अपेक्षाकृत पुराना विषय चुना है और इसमें एक समसामयिक सामाजिक मुद्दा जोड़ा है, लेकिन दूसरे भाग में उन्होंने जिस तरह से फिल्म का प्रदर्शन किया है उसमें बहुत कुछ बाकी है, लेकिन वो चमक स्क्वैश के दौरान चीजों को अच्छी तरह से प्रबंधित करता है और चीजों को एक सुखद नोट पर समाप्त करता है। कुल मिलाकर पैंथम एक प्रचलित सामाजिक नाटक है जिसमें एक अच्छा संदेश दिखाया गया है। भले ही कहानी पुरानी हो, निर्देशक चक्री ने यह सुनिश्चित किया है कि पहले भाग में कुछ मजा हो और क्लाइमेक्स संतोषजनक हो। फिल्म के पास बी और सी केंद्रों में अच्छा प्रदर्शन करने का मौका है, लेकिन मल्टीप्लेक्स दर्शकों को चीजें काफी सामान्य लगेगी, इसलिए ये फिल्म इस सप्ताहांत में देखने का औसत स्कोर बन जाएगी। गोपीचंद की फिल्म पंथम देखने से पहले जान लीजिए यहाँ फिल्म का पूरा रिव्यू और साथ ही जाने कहा देखे इसे फ्री में। बता दें कि फिल्म पंथम को IMDb पर 10 में से 5.8 की रेटिंग मिली है और इस मूवी के लीड रोल में है गोपीचंद और महरीन परिजात। इस मूवी को डायरेक्ट किया है चक्रवर्ती रेड्डी ने, जो इससे पहले वेंकी मामा जैसे और भी कई साउथ की फिल्में लिख चुके हैं और डायरेक्ट भी कर चुके हैं। और अब दोस्तों बात करें इस फिल्म के बजट की, तो यह फिल्म का बजट 25 करोड़ रुपए है। फिल्म का निर्माण 2017 के दौरान शुरू हुआ और 5 जुलाई 2018 को इसे रिलीज किया गया। ये एक तेलुगु भाषा एक्शन मूवी है। इस मूवी की कहानी में विक्रांत सुराना नाम के लड़के के आसपास घूमती है, जो एक चोरी को रोकने की कोशिश करता है। इस मूवी में गोपीचंद ने अपने किरदार को काफी अच्छे से निभाया है। यह मूवी एक बार देखने लायक है। बता दी कि पंथम मूवी के हिंदी डब राइट्स को बहुत ही पहले शिमारू एंटरटेनमेंट की तरफ से ले लिया गया था और इस मूवी की हिंदी डबिंग शिमारू स्टूडियो से बहुत ही पहले कंप्लीट करवा ली गई थी और इस मूवी का सेंसर भी हो गया है। इस मूवी को हिंदी डब टाइटल पंथम दिया गया है। और अब बात करें इसमें कौन से वॉइस ओवर आर्टिस्ट आपको सुनने को मिलेंगे, तो दोस्तों गोपीचंद को इसमें वॉइस ओवर किया है शहनूर मिर्जा ने और यह मूवी आपको बहुत जल्द देखने को मिल जाएगी और इस मूवी को बहुत जल्द कलर सिनेप्लेक्स पर रिलीज किया जाएगा। हालांकि यह कहा नहीं जा सकता कि कब इस मूवी को रिलीज किया जाएगा, और जब भी इस मूवी की रिलीज डेट से जुड़ी कोई अपडेट आती है तो हम आपको इसके बारे में जानकारी दे देंगे। जाने कैसी है गोपीचंद की पंथम। फिल्म देखने से पहले जान लीजिए यह फिल्म का पूरा रिव्यू और वो भी हिंदी में। विक्रांत प्रसिद्ध राजनेताओं पर डकैतियों की एक श्रृंखला की योजना बनाता है। अपने घर पर एक बड़ी डकैती के बाद गृह मंत्री नायक जांच के आदेश देते हैं। उसे ये जानकर झटका लगा कि इन डकैतियों के पीछे का आदमी विक्रांत है और उसने ये सब क्यों किया है। ये विक्रांत कौन है, उनकी पृष्ठभूमि की कहानी क्या है, उन्होंने नेताओं पर निशाना क्यों साधा, ये सब जानने के लिए आपको सिल्वर स्क्रीन पर फिल्म देखनी होगी। हीरो गोपीचंद आगे बढ़कर नेतृत्व करते हैं और शानदार प्रदर्शन करते हैं। जैसा कि अपेक्षित था, वो अपनी लड़ाई में अच्छे हैं और उन्होंने अपने अभिनय में भी सुधार किया है। विशेष रूप से महत्वपूर्ण अदालती दृश्य के दौरान उनका प्रदर्शन बहुत ही प्रभावशाली है। पृथ्वी और श्रीनिवास रेड्डी की विशेषता वाले कॉमेडी एपिसोड अधिकांश क्षेत्रों में अच्छे है। संपत ने एक भ्रष्ट मंत्री के रूप में अच्छा काम किया और फिल्म में काफी गहराई लाई है। पहले भाग को हल्का रखा गया है जिसमें एक के बाद एक अच्छी डकैतियां दिखाई गए हैं और दूसरे भाग में वास्तविक कथानक को मोर के साथ उजागर किया गया है। जो सामाजिक संदेश दिखाया गया है वो काफी अच्छा है और इसमें काफी जुड़ाव है। फिल्म में मुख्य जोड़ी के बीच बिल्कुल भी केमिस्ट्री नहीं है, जो पहले भाग में थोड़ी कमी है। महरीन को अच्छी तरह से स्टाइल नहीं किया गया है और फिल्म में उनका ट्रैक हटा दिया गया है। एक बार जब कथानक सामने आ जाता है तो दूसरे भाग में चीजें काफी पूर्व अनुमानित और नियमित हो जाती है। कहानी में कुछ भी नया नहीं है क्योंकि डकैती पर आधारित ऐसी फिल्में पहले भी कई बार बन चुकी है। भले ही
दिया गया सामाजिक संदेश अच्छा लगता है, लेकिन जिस तरह की कार्यवाही का वर्णन किया गया है वो फिल्म को आवश्यक धक्का नहीं देता है। फिल्म का संगीत भी बेहद ही निराशाजनक है और दोनों हिस्सों में कोई मदद नहीं करता। साथ ही गाने फिल्म के प्रवाहों में स्पीड ब्रेकर के रूप में आते हैं। फिल्म ज्यादातर संपत और गोपीचंद के धागे पर चलती है और यही पर दूसरे भाग में चीजें थोड़ी उबायू हो जाती है कि राधा मोहन द्वारा प्रोडक्शन वैल्यू बहुत अच्छी है क्योंकि फिल्म पर बहुत पैसा खर्च किया गया है। कैमरा वर्क भी अच्छा है और फिल्म को अच्छी रोशनी में दिखाता है। सामाजिक मुद्दों पर लिखे गए संवाद बहुत अच्छे और मारक है। संपादन अच्छा है और प्रोडक्शन डिजाइन भी अच्छा है। निर्देशक चक्री की बात करें तो उन्होंने फिल्म में ठीक ठाक काम किया है। उन्होंने एक अपेक्षाकृत पुराना विषय चुना है और इसमें एक समसामयिक सामाजिक मुद्दा जोड़ा है, लेकिन दूसरे भाग में उन्होंने जिस तरह से फिल्म का प्रदर्शन किया है उसमें बहुत कुछ बाकी है, लेकिन वो चमक स्क्वैश के दौरान चीजों को अच्छी तरह से प्रबंधित करता है और चीजों को एक सुखद नोट पर समाप्त करता है। कुल मिलाकर पैंथम एक प्रचलित सामाजिक नाटक है जिसमें एक अच्छा संदेश दिखाया गया है। भले ही कहानी पुरानी हो, निर्देशक चक्री ने यह सुनिश्चित किया है कि पहले भाग में कुछ मजा हो और क्लाइमेक्स संतोषजनक हो। फिल्म के पास बी और सी केंद्रों में अच्छा प्रदर्शन करने का मौका है, लेकिन मल्टीप्लेक्स दर्शकों को चीजें काफी सामान्य लगेगी, इसलिए ये फिल्म इस सप्ताहांत में देखने का औसत स्कोर बन जाएगी। गोपीचंद की फिल्म पंथम देखने से पहले जान लीजिए यहाँ फिल्म का पूरा रिव्यू और साथ ही जाने कहा देखे इसे फ्री में। बता दें कि फिल्म पंथम को IMDb पर 10 में से 5.8 की रेटिंग मिली है और इस मूवी के लीड रोल में है गोपीचंद और महरीन परिजात। इस मूवी को डायरेक्ट किया है चक्रवर्ती रेड्डी ने, जो इससे पहले वेंकी मामा जैसे और भी कई साउथ की फिल्में लिख चुके हैं और डायरेक्ट भी कर चुके हैं। और अब दोस्तों बात करें इस फिल्म के बजट की, तो यह फिल्म का बजट 25 करोड़ रुपए है। फिल्म का निर्माण 2017 के दौरान शुरू हुआ और 5 जुलाई 2018 को इसे रिलीज किया गया। ये एक तेलुगु भाषा एक्शन मूवी है। इस मूवी की कहानी में विक्रांत सुराना नाम के लड़के के आसपास घूमती है, जो एक चोरी को रोकने की कोशिश करता है। इस मूवी में गोपीचंद ने अपने किरदार को काफी अच्छे से निभाया है। यह मूवी एक बार देखने लायक है। बता दी कि पंथम मूवी के हिंदी डब राइट्स को बहुत ही पहले शिमारू एंटरटेनमेंट की तरफ से ले लिया गया था और इस मूवी की हिंदी डबिंग शिमारू स्टूडियो से बहुत ही पहले कंप्लीट करवा ली गई थी और इस मूवी का सेंसर भी हो गया है। इस मूवी को हिंदी डब टाइटल पंथम दिया गया है। और अब बात करें इसमें कौन से वॉइस ओवर आर्टिस्ट आपको सुनने को मिलेंगे, तो दोस्तों गोपीचंद को इसमें वॉइस ओवर किया है शहनूर मिर्जा ने और यह मूवी आपको बहुत जल्द देखने को मिल जाएगी और इस मूवी को बहुत जल्द कलर सिनेप्लेक्स पर रिलीज किया जाएगा। हालांकि यह कहा नहीं जा सकता कि कब इस मूवी को रिलीज किया जाएगा और जब भी इस मूवी की रिलीज डेट से जुड़ी कोई अपडेट आती है तो हम आपको इसके बारे में जानकारी दे देंगे। जाने कैसी है गोपीचंद की पंथम। फिल्म देखने से पहले जान लीजिए यह फिल्म का पूरा रिव्यू और वो भी हिंदी में। विक्रांत प्रसिद्ध राजनेताओं पर डकैतियों की एक श्रृंखला की योजना बनाता है। अपने घर पर एक बड़ी डकैती के बाद गृह मंत्री नायक जांच के आदेश देते हैं। उसे ये जानकर झटका लगा कि इन डकैतियों के पीछे का आदमी विक्रांत है और उसने ये सब क्यों किया है। ये विक्रांत कौन है, उनकी पृष्ठभूमि की कहानी क्या है, उन्होंने नेताओं पर निशाना क्यों साधा, ये सब जानने के लिए आपको सिल्वर स्क्रीन पर फिल्म देखनी होगी। हीरो गोपीचंद आगे बढ़कर नेतृत्व करते हैं और शानदार प्रदर्शन करते हैं। जैसा कि अपेक्षित था, वो अपनी लड़ाई में अच्छे हैं और उन्होंने अपने अभिनय में भी सुधार किया है। विशेष रूप से महत्वपूर्ण अदालती दृश्य के दौरान उनका प्रदर्शन बहुत ही प्रभावशाली है। पृथ्वी और श्रीनिवास रेड्डी की विशेषता वाले कॉमेडी एपिसोड अधिकांश क्षेत्रों में अच्छे है। संपत ने एक भ्रष्ट मंत्री के रूप में अच्छा काम किया और फिल्म में काफी गहराई लाई है। पहले भाग को हल्का रखा गया है जिसमें एक के बाद एक अच्छी डकैतियां दिखाई गए हैं और दूसरे भाग में वास्तविक कथानक को मोर के साथ उजागर किया गया है। जो सामाजिक संदेश दिखाया गया है वो काफी अच्छा है और इसमें काफी जुड़ाव है। फिल्म में मुख्य जोड़ी के बीच बिल्कुल भी केमिस्ट्री नहीं है, जो पहले भाग में थोड़ी कमी है। महरीन को अच्छी तरह से स्टाइल नहीं किया गया है और फिल्म में उनका ट्रैक हटा दिया गया है।
एक बार जब कथानक सामने आ जाता है तो दूसरे भाग में चीजें काफी पूर्व अनुमानित और नियमित हो जाती है। कहानी में कुछ भी नया नहीं है क्योंकि डकैती पर आधारित ऐसी फिल्में पहले भी कई बार बन चुकी है। भले ही दिया गया सामाजिक संदेश अच्छा लगता है, लेकिन जिस तरह की कार्यवाही का वर्णन किया गया है वो फिल्म को आवश्यक धक्का नहीं देता है। फिल्म का संगीत भी बेहद ही निराशाजनक है और दोनों हिस्सों में कोई मदद नहीं करता। साथ ही गाने फिल्म के प्रवाहों में स्पीड ब्रेकर के रूप में आते हैं। फिल्म ज्यादातर संपत और गोपीचंद के धागे पर चलती है और यहीं पर दूसरे भाग में चीजें थोड़ी उबायू हो जाती है। के राधा मोहन द्वारा प्रोडक्शन वैल्यू बहुत अच्छी है क्योंकि फिल्म पर बहुत पैसा खर्च किया गया है। कैमरा वर्क भी अच्छा है और फिल्म को अच्छी रोशनी में दिखाता है। सामाजिक मुद्दों पर लिखे गए संवाद बहुत अच्छे और मारक है। संपादन अच्छा है और प्रोडक्शन डिजाइन भी अच्छा है। निर्देशक चक्री की बात करें तो उन्होंने फिल्म में ठीक ठाक काम किया है। उन्होंने एक अपेक्षाकृत पुराना विषय चुना है और इसमें एक समसामयिक सामाजिक मुद्दा जोड़ा है, लेकिन दूसरे भाग में उन्होंने जिस तरह से फिल्म का प्रदर्शन किया है उसमें बहुत कुछ बाकी है, लेकिन वो चमक स्क्वैश के दौरान चीजों को अच्छी तरह से प्रबंधित करता है और चीजों को एक सुखद नोट पर समाप्त करता है। कुल मिलाकर पैंथम एक प्रचलित सामाजिक नाटक है जिसमें एक अच्छा संदेश दिखाया गया है। भले ही कहानी पुरानी हो, निर्देशक चक्री ने यह सुनिश्चित किया है कि पहले भाग में कुछ मजा हो और क्लाइमेक्स संतोषजनक हो। फिल्म के पास बी और सी केंद्रों में अच्छा प्रदर्शन करने का मौका है, लेकिन मल्टीप्लेक्स दर्शकों को चीजें काफी सामान्य लगेगी, इसलिए ये फिल्म इस सप्ताहांत में देखने का औसत स्कोर बन जाएगी। गोपीचंद की फिल्म पंथम देखने से पहले जान लीजिए यहाँ फिल्म का पूरा रिव्यू और साथ ही जाने कहा देखे इसे फ्री में। बता दें कि फिल्म पंथम को IMDb पर 10 में से 5.8 की रेटिंग मिली है और इस मूवी के लीड रोल में है गोपीचंद और महरीन परिजात। इस मूवी को डायरेक्ट किया है चक्रवर्ती रेड्डी ने, जो इससे पहले वेंकी मामा जैसे और भी कई साउथ की फिल्में लिख चुके हैं और डायरेक्ट भी कर चुके हैं। और अब दोस्तों बात करें इस फिल्म के बजट की, तो यह फिल्म का बजट 25 करोड़ रुपए है। फिल्म का निर्माण 2017 के दौरान शुरू हुआ और 5 जुलाई 2018 को इसे रिलीज किया गया। ये एक तेलुगु भाषा एक्शन मूवी है। इस मूवी की कहानी में विक्रांत सुराना नाम के लड़के के आसपास घूमती है, जो एक चोरी को रोकने की कोशिश करता है। इस मूवी में गोपीचंद ने अपने किरदार को काफी अच्छे से निभाया है। यह मूवी एक बार देखने लायक है। बता दी कि पंथम मूवी की हिंदी डब राइट्स को बहुत ही पहले शिमारू एंटरटेनमेंट की तरफ से ले लिया गया था और इस मूवी की हिंदी डबिंग शिमारू स्टूडियो से बहुत ही पहले कंप्लीट करवा ली गई थी और इस मूवी का सेंसर भी हो गया है। इस मूवी को हिंदी डब टाइटल पंथम दिया गया है। और अब बात करें इसमें कौन से वॉइस ओवर आर्टिस्ट आपको सुनने को मिलेंगे, तो दोस्तों गोपीचंद को इसमें वॉइस ओवर किया है शहनूर मिर्जा ने और यह मूवी आपको बहुत जल्द देखने को मिल जाएगी और इस मूवी को बहुत जल्द कलर सिनेप्लेक्स पर रिलीज किया जाएगा। हालांकि यह कहा नहीं जा सकता कि कब इस मूवी को रिलीज किया जाएगा, और जब भी इस मूवी की रिलीज डेट से जुड़ी कोई अपडेट आती है तो हम आपको इसके बारे में जानकारी दे देंगे। जाने कैसी है गोपीचंद की पंथम। फिल्म देखने से पहले जान लीजिए यह फिल्म का पूरा रिव्यू और वो भी हिंदी में। विक्रांत प्रसिद्ध राजनेताओं पर डकैतियों की एक श्रृंखला की योजना बनाता है। अपने घर पर एक बड़ी डकैती के बाद गृह मंत्री नायक जांच के आदेश देते हैं। उसे ये जानकर झटका लगा कि इन डकैतियों के पीछे का आदमी विक्रांत है और उसने ये सब क्यों किया है। ये विक्रांत कौन है, उनकी पृष्ठभूमि की कहानी क्या है, उन्होंने नेताओं पर निशाना क्यों साधा, ये सब जानने के लिए आपको सिल्वर स्क्रीन पर फिल्म देखनी होगी। हीरो गोपीचंद आगे बढ़कर नेतृत्व करते हैं और शानदार प्रदर्शन करते हैं। जैसा कि अपेक्षित था, वो अपनी लड़ाई में अच्छे हैं और उन्होंने अपने अभिनय में भी सुधार किया है। विशेष रूप से महत्वपूर्ण अदालती दृश्य के दौरान उनका प्रदर्शन बहुत ही प्रभावशाली है। पृथ्वी और श्रीनिवास रेड्डी की विशेषता वाले कॉमेडी एपिसोड अधिकांश क्षेत्रों में अच्छे है। संपत ने एक भ्रष्ट मंत्री के रूप में अच्छा काम किया और फिल्म में काफी गहराई लाई है। पहले भाग को हल्का रखा गया है जिसमें एक के बाद एक अच्छी डकैतियां दिखाई गए हैं और दूसरे भाग में वास्तविक कथानक को मोर के साथ उजागर किया गया है।
जो सामाजिक संदेश दिखाया गया है वो काफी अच्छा है और इसमें काफी जुड़ाव है। फिल्म में मुख्य जोड़ी के बीच बिल्कुल भी केमिस्ट्री नहीं है, जो पहले भाग में थोड़ी कमी है। महरीन को अच्छी तरह से स्टाइल नहीं किया गया है और फिल्म में उनका ट्रैक हटा दिया गया है। एक बार जब कथानक सामने आ जाता है तो दूसरे भाग में चीजें काफी पूर्व अनुमानित और नियमित हो जाती है। कहानी में कुछ भी नया नहीं है क्योंकि डकैती पर आधारित ऐसी फिल्में पहले भी कई बार बन चुकी है। भले ही दिया गया सामाजिक संदेश अच्छा लगता है, लेकिन जिस तरह की कार्यवाही का वर्णन किया गया है वो फिल्म को आवश्यक धक्का नहीं देता है। फिल्म का संगीत भी बेहद ही निराशाजनक है और दोनों हिस्सों में कोई मदद नहीं करता। साथ ही गाने फिल्म के प्रवाहों में स्पीड ब्रेकर के रूप में आते हैं। फिल्म ज्यादातर संपत और गोपीचंद के धागे पर चलती है और यहीं पर दूसरे भाग में चीजें थोड़ी उबायू हो जाती है। के राधा मोहन द्वारा प्रोडक्शन वैल्यू बहुत अच्छी है क्योंकि फिल्म पर बहुत पैसा खर्च किया गया है। कैमरा वर्क भी अच्छा है और फिल्म को अच्छी रोशनी में दिखाता है। सामाजिक मुद्दों पर लिखे गए संवाद बहुत अच्छे और मारक है। संपादन अच्छा है और प्रोडक्शन डिजाइन भी अच्छा है। निर्देशक चक्री की बात करें तो उन्होंने फिल्म में ठीक ठाक काम किया है। उन्होंने एक अपेक्षाकृत पुराना विषय चुना है और इसमें एक समसामयिक सामाजिक मुद्दा जोड़ा है, लेकिन दूसरे भाग में उन्होंने जिस तरह से फिल्म का प्रदर्शन किया है उसमें बहुत कुछ बाकी है, लेकिन वो चमक स्क्वैश के दौरान चीजों को अच्छी तरह से प्रबंधित करता है और चीजों को एक सुखद नोट पर समाप्त करता है। कुल मिलाकर पैंथम एक प्रचलित सामाजिक नाटक है जिसमें एक अच्छा संदेश दिखाया गया है। भले ही कहानी पुरानी हो, निर्देशक चक्री ने यह सुनिश्चित किया है कि पहले भाग में कुछ मजा हो और क्लाइमेक्स संतोषजनक हो। फिल्म के पास बी और सी केंद्रों में अच्छा प्रदर्शन करने का मौका है, लेकिन मल्टीप्लेक्स दर्शकों को चीजें काफी सामान्य लगेगी, इसलिए ये फिल्म इस सप्ताहांत में देखने का औसत स्कोर बन जाएगी। गोपीचंद की फिल्म पंथम देखने से पहले जान लीजिए यहाँ फिल्म का पूरा रिव्यू और साथ ही जाने कहा देखे इसे फ्री में। बता दें कि फिल्म पंथम को IMDb पर 10 में से 5.8 की रेटिंग मिली है और इस मूवी के लीड रोल में है गोपीचंद और महरीन परिजात। इस मूवी को डायरेक्ट किया है चक्रवर्ती रेड्डी ने, जो इससे पहले वेंकी मामा जैसे और भी कई साउथ की फिल्में लिख चुके हैं और डायरेक्ट भी कर चुके हैं। और अब दोस्तों बात करें इस फिल्म के बजट की, तो यह फिल्म का बजट 25 करोड़ रुपए है। फिल्म का निर्माण 2017 के दौरान शुरू हुआ और 5 जुलाई 2018 को इसे रिलीज किया गया। ये एक तेलुगु भाषा एक्शन मूवी है। इस मूवी की कहानी में विक्रांत सुराना नाम के लड़के के आसपास घूमती है, जो एक चोरी को रोकने की कोशिश करता है। इस मूवी में गोपीचंद ने अपने किरदार को काफी अच्छे से निभाया है। यह मूवी एक बार देखने लायक है। बता दी कि पंथम मूवी के हिंदी डब राइट्स को बहुत ही पहले शिमारू एंटरटेनमेंट की तरफ से ले लिया गया था और इस मूवी की हिंदी डबिंग शिमारू स्टूडियो से बहुत ही पहले कंप्लीट करवा ली गई थी और इस मूवी का सेंसर भी हो गया है। इस मूवी को हिंदी डब टाइटल पंथम दिया गया है। और अब बात करें इसमें कौन से वॉइस ओवर आर्टिस्ट आपको सुनने को मिलेंगे, तो दोस्तों गोपीचंद को इसमें वॉइस ओवर किया है शहनूर मिर्जा ने और यह मूवी आपको बहुत जल्द देखने को मिल जाएगी और इस मूवी को बहुत जल्द कलर सिनेप्लेक्स पर रिलीज किया जाएगा। हालांकि यह कहा नहीं जा सकता कि कब इस मूवी को रिलीज किया जाएगा, और जब भी इस मूवी की रिलीज डेट से जुड़ी कोई अपडेट आती है तो हम आपको इसके बारे में जानकारी दे देंगे। जाने कैसी है गोपीचंद की पंथम। फिल्म देखने से पहले जान लीजिए यह फिल्म का पूरा रिव्यू और वो भी हिंदी में। विक्रांत प्रसिद्ध राजनेताओं पर डकैतियों की एक श्रृंखला की योजना बनाता है। अपने घर पर एक बड़ी डकैती के बाद गृह मंत्री नायक जांच के आदेश देते हैं। उसे ये जानकर झटका लगा कि इन डकैतियों के पीछे का आदमी विक्रांत है और उसने ये सब क्यों किया है। ये विक्रांत कौन है, उनकी पृष्ठभूमि की कहानी क्या है, उन्होंने नेताओं पर निशाना क्यों साधा, ये सब जानने के लिए आपको सिल्वर स्क्रीन पर फिल्म देखनी होगी। हीरो गोपीचंद आगे बढ़कर नेतृत्व करते हैं और शानदार प्रदर्शन करते हैं। जैसा कि अपेक्षित था, वो अपनी लड़ाई में अच्छे हैं और उन्होंने अपने अभिनय में भी सुधार किया है। विशेष रूप से महत्वपूर्ण अदालती दृश्य के दौरान उनका प्रदर्शन बहुत ही प्रभावशाली है। पृथ्वी और श्रीनिवास रेड्डी की विशेषता वाले कॉमेडी एपिसोड अधिकांश क्षेत्रों में अच्छे हैं।
संपत ने एक भ्रष्ट मंत्री के रूप में अच्छा काम किया और फिल्म में काफी गहराई लाई है। पहले भाग को हल्का रखा गया है जिसमें एक के बाद एक अच्छी डकैतियां दिखाई गए हैं और दूसरे भाग में वास्तविक कथानक को मोर के साथ उजागर किया गया है। जो सामाजिक संदेश दिखाया गया है वो काफी अच्छा है और इसमें काफी जुड़ाव है। फिल्म में मुख्य जोड़ी के बीच बिल्कुल भी केमिस्ट्री नहीं है, जो पहले भाग में थोड़ी कमी है। महरीन को अच्छी तरह से स्टाइल नहीं किया गया है और फिल्म में उनका ट्रैक हटा दिया गया है। एक बार जब कथानक सामने आ जाता है तो दूसरे भाग में चीजें काफी पूर्व अनुमानित और नियमित हो जाती है। कहानी में कुछ भी नया नहीं है क्योंकि डकैती पर आधारित ऐसी फिल्में पहले भी कई बार बन चुकी है। भले ही दिया गया सामाजिक संदेश अच्छा लगता है, लेकिन जिस तरह की कार्यवाही का वर्णन किया गया है वो फिल्म को आवश्यक धक्का नहीं देता है। फिल्म का संगीत भी बेहद ही निराशाजनक है और दोनों हिस्सों में कोई मदद नहीं करता। साथ ही गाने फिल्म के प्रवाहों में स्पीड ब्रेकर के रूप में आते हैं। फिल्म ज्यादातर संपत और गोपीचंद के धागे पर चलती है और यहीं पर दूसरे भाग में चीजें थोड़ी उबायू हो जाती है। के राधा मोहन द्वारा प्रोडक्शन वैल्यू बहुत अच्छी है क्योंकि फिल्म पर बहुत पैसा खर्च किया गया है। कैमरा वर्क भी अच्छा है और फिल्म को अच्छी रोशनी में दिखाता है। सामाजिक मुद्दों पर लिखे गए संवाद बहुत अच्छे और मारक है। संपादन अच्छा है और प्रोडक्शन डिजाइन भी अच्छा है। निर्देशक चक्री की बात करें तो उन्होंने फिल्म में ठीक ठाक काम किया है। उन्होंने एक अपेक्षाकृत पुराना विषय चुना है और इसमें एक समसामयिक सामाजिक मुद्दा जोड़ा है, लेकिन दूसरे भाग में उन्होंने जिस तरह से फिल्म का प्रदर्शन किया है उसमें बहुत कुछ बाकी है, लेकिन वो चमक स्क्वैश के दौरान चीजों को अच्छी तरह से प्रबंधित करता है और चीजों को एक सुखद नोट पर समाप्त करता है। कुल मिलाकर पैंथम एक प्रचलित सामाजिक नाटक है जिसमें एक अच्छा संदेश दिखाया गया है। भले ही कहानी पुरानी हो, निर्देशक चक्री ने यह सुनिश्चित किया है कि पहले भाग में कुछ मजा हो और क्लाइमेक्स संतोषजनक हो। फिल्म के पास बी और सी केंद्रों में अच्छा प्रदर्शन करने का मौका है, लेकिन मल्टीप्लेक्स दर्शकों को चीजें काफी सामान्य लगेगी, इसलिए ये फिल्म इस सप्ताहांत में देखने का औसत स्कोर बन जाएगी। गोपीचंद की फिल्म पंथम देखने से पहले जान लीजिए यहाँ फिल्म का पूरा रिव्यू और साथ ही जाने कहा देखे इसे फ्री में। बता दें कि फिल्म पंथम को IMDb पर 10 में से 5.8 की रेटिंग मिली है और इस मूवी के लीड रोल में है गोपीचंद और महरीन परिजात। इस मूवी को डायरेक्ट किया है चक्रवर्ती रेड्डी ने, जो इससे पहले वेंकी मामा जैसे और भी कई साउथ की फिल्में लिख चुके हैं और डायरेक्ट भी कर चुके हैं। और अब दोस्तों बात करें इस फिल्म के बजट की, तो यह फिल्म का बजट 25 करोड़ रुपए है। फिल्म का निर्माण 2017 के दौरान शुरू हुआ और 5 जुलाई 2018 को इसे रिलीज किया गया। ये एक तेलुगु भाषा एक्शन मूवी है। इस मूवी की कहानी में विक्रांत सुराना नाम के लड़के के आसपास घूमती है, जो एक चोरी को रोकने की कोशिश करता है। इस मूवी में गोपीचंद ने अपने किरदार को काफी अच्छे से निभाया है। यह मूवी एक बार देखने लायक है। बता दी कि पंथम मूवी के हिंदी डब राइट्स को बहुत ही पहले शिमारू एंटरटेनमेंट की तरफ से ले लिया गया था और इस मूवी की हिंदी डबिंग शिमारू स्टूडियो से बहुत ही पहले कंप्लीट करवा ली गई थी और इस मूवी का सेंसर भी हो गया है। इस मूवी को हिंदी डब टाइटल पंथम दिया गया है। और अब बात करें इसमें कौन से वॉइस ओवर आर्टिस्ट आपको सुनने को मिलेंगे, तो दोस्तों गोपीचंद को इसमें वॉइस ओवर किया है शहनूर मिर्जा ने और यह मूवी आपको बहुत जल्द देखने को मिल जाएगी और इस मूवी को बहुत जल्द कलर सिनेप्लेक्स पर रिलीज किया जाएगा। हालांकि यह कहा नहीं जा सकता कि कब इस मूवी को रिलीज किया जाएगा, और जब भी इस मूवी की रिलीज डेट से जुड़ी कोई अपडेट आती है तो हम आपको इसके बारे में जानकारी दे देंगे। जाने कैसी है गोपीचंद की पंथम। फिल्म देखने से पहले जान लीजिए यह फिल्म का पूरा रिव्यू और वो भी हिंदी में। विक्रांत प्रसिद्ध राजनेताओं पर डकैतियों की एक श्रृंखला की योजना बनाता है। अपने घर पर एक बड़ी डकैती के बाद गृह मंत्री नायक जांच के आदेश देते हैं। उसे ये जानकर झटका लगा कि इन डकैतियों के पीछे का आदमी विक्रांत है और उसने ये सब क्यों किया है। ये विक्रांत कौन है, उनकी पृष्ठभूमि की कहानी क्या है, उन्होंने नेताओं पर निशाना क्यों साधा, ये सब जानने के लिए आपको सिल्वर स्क्रीन पर फिल्म देखनी होगी। हीरो गोपीचंद आगे बढ़कर नेतृत्व करते हैं और शानदार प्रदर्शन करते हैं। जैसा कि अपेक्षित था, वो अपनी लड़ाई में अच्छे हैं और उन्होंने अपने अभिनय में भी
सुधार किया है। विशेष रूप से महत्वपूर्ण अदालती दृश्य के दौरान उनका प्रदर्शन बहुत ही प्रभावशाली है। पृथ्वी और श्रीनिवास रेड्डी की विशेषता वाले कॉमेडी एपिसोड अधिकांश क्षेत्रों में अच्छे है। संपत ने एक भ्रष्ट मंत्री के रूप में अच्छा काम किया और फिल्म में काफी गहराई लाई है। पहले भाग को हल्का रखा गया है जिसमें एक के बाद एक अच्छी डकैतियां दिखाई गए हैं और दूसरे भाग में वास्तविक कथानक को मोर के साथ उजागर किया गया है। जो सामाजिक संदेश दिखाया गया है वो काफी अच्छा है और इसमें काफी जुड़ाव है। फिल्म में मुख्य जोड़ी के बीच बिल्कुल भी केमिस्ट्री नहीं है, जो पहले भाग में थोड़ी कमी है। महरीन को अच्छी तरह से स्टाइल नहीं किया गया है और फिल्म में उनका ट्रैक हटा दिया गया है। एक बार जब कथानक सामने आ जाता है तो दूसरे भाग में चीजें काफी पूर्व अनुमानित और नियमित हो जाती है। कहानी में कुछ भी नया नहीं है क्योंकि डकैती पर आधारित ऐसी फिल्में पहले भी कई बार बन चुकी है। भले ही दिया गया सामाजिक संदेश अच्छा लगता है, लेकिन जिस तरह की कार्यवाही का वर्णन किया गया है वो फिल्म को आवश्यक धक्का नहीं देता है। फिल्म का संगीत भी बेहद ही निराशाजनक है और दोनों हिस्सों में कोई मदद नहीं करता। साथ ही गाने फिल्म के प्रवाहों में स्पीड ब्रेकर के रूप में आते हैं। फिल्म ज्यादातर संपत और गोपीचंद के धागे पर चलती है और यही पर दूसरे भाग में चीजें थोड़ी उबायू हो जाती है। के राधा मोहन द्वारा प्रोडक्शन वैल्यू बहुत अच्छी है क्योंकि फिल्म पर बहुत पैसा खर्च किया गया है। कैमरा वर्क भी अच्छा है और फिल्म को अच्छी रोशनी में दिखाता है। सामाजिक मुद्दों पर लिखे गए संवाद बहुत अच्छे और मारक है। संपादन अच्छा है और प्रोडक्शन डिजाइन भी अच्छा है। निर्देशक चक्री की बात करें तो उन्होंने फिल्म में ठीक ठाक काम किया है। उन्होंने एक अपेक्षाकृत पुराना विषय चुना है और इसमें एक समसामयिक सामाजिक मुद्दा जोड़ा है, लेकिन दूसरे भाग में उन्होंने जिस तरह से फिल्म का प्रदर्शन किया है उसमें बहुत कुछ बाकी है, लेकिन वो चमक स्क्वैश के दौरान चीजों को अच्छी तरह से प्रबंधित करता है और चीजों को एक सुखद नोट पर समाप्त करता है। कुल मिलाकर पैंथम एक प्रचलित सामाजिक नाटक है जिसमें एक अच्छा संदेश दिखाया गया है। भले ही कहानी पुरानी हो, निर्देशक चक्री ने यह सुनिश्चित किया है कि पहले भाग में कुछ मजा हो और क्लाइमेक्स संतोषजनक हो। फिल्म के पास बी और सी केंद्रों में अच्छा प्रदर्शन करने का मौका है, लेकिन मल्टीप्लेक्स दर्शकों को चीजें काफी सामान्य लगेगी, इसलिए ये फिल्म इस सप्ताहांत में देखने का औसत स्कोर बन जाएगी। गोपीचंद की फिल्म पंथम देखने से पहले जान लीजिए यहाँ फिल्म का पूरा रिव्यू और साथ ही जाने कहा देखे इसे फ्री में। बता दें कि फिल्म पंथम को IMDb पर 10 में से 5.8 की रेटिंग मिली है और इस मूवी के लीड रोल में है गोपीचंद और महरीन परिजात। इस मूवी को डायरेक्ट किया है चक्रवर्ती रेड्डी ने, जो इससे पहले वेंकी मामा जैसे और भी कई साउथ की फिल्में लिख चुके हैं और डायरेक्ट भी कर चुके हैं। और अब दोस्तों बात करें इस फिल्म के बजट की, तो यह फिल्म का बजट 25 करोड़ रुपए है। फिल्म का निर्माण 2017 के दौरान शुरू हुआ और 5 जुलाई 2018 को इसे रिलीज किया गया। ये एक तेलुगु भाषा एक्शन मूवी है। इस मूवी की कहानी में विक्रांत सुराना नाम के लड़के के आसपास घूमती है, जो एक चोरी को रोकने की कोशिश करता है। इस मूवी में गोपीचंद ने अपने किरदार को काफी अच्छे से निभाया है। यह मूवी एक बार देखने लायक है। बता दी कि पंथम मूवी के हिंदी डब राइट्स को बहुत ही पहले शिमारू एंटरटेनमेंट की तरफ से ले लिया गया था और इस मूवी की हिंदी डबिंग शिमारू स्टूडियो से बहुत ही पहले कंप्लीट करवा ली गई थी और इस मूवी का सेंसर भी हो गया है। इस मूवी को हिंदी डब टाइटल पंथम दिया गया है। और अब बात करें इसमें कौन से वॉइस ओवर आर्टिस्ट आपको सुनने को मिलेंगे, तो दोस्तों गोपीचंद को इसमें वॉइस ओवर किया है शहनूर मिर्जा ने और यह मूवी आपको बहुत जल्द देखने को मिल जाएगी और इस मूवी को बहुत जल्द कलर सिनेप्लेक्स पर रिलीज किया जाएगा। हालांकि यह कहा नहीं जा सकता कि कब इस मूवी को रिलीज किया जाएगा, और जब भी इस मूवी की रिलीज डेट से जुड़ी कोई अपडेट आती है तो हम आपको इसके बारे में जानकारी दे देंगे। जाने कैसी है गोपीचंद की पंथम। फिल्म देखने से पहले जान लीजिए यह फिल्म का पूरा रिव्यू और वो भी हिंदी में। विक्रांत प्रसिद्ध राजनेताओं पर डकैतियों की एक श्रृंखला की योजना बनाता है। अपने घर पर एक बड़ी डकैती के बाद गृह मंत्री नायक जांच के आदेश देते हैं। उसे ये जानकर झटका लगा कि इन डकैतियों के पीछे का आदमी विक्रांत है और उसने ये सब क्यों किया है। ये विक्रांत कौन है, उनकी पृष्ठभूमि की कहानी क्या है, उन्होंने नेताओं पर निशाना क्यों साधा,
ये सब जानने के लिए आपको सिल्वर स्क्रीन पर फिल्म देखनी होगी। हीरो गोपी चंद आगे बढ़कर नेतृत्व करते हैं और शानदार प्रदर्शन करते हैं। जैसा कि अपेक्षित था, वो अपनी लड़ाई में अच्छे हैं और उन्होंने अपने अभिनय में भी सुधार किया है। विशेष रूप से महत्वपूर्ण अदालती दृश्य के दौरान उनका प्रदर्शन बहुत ही प्रभावशाली है। पृथ्वी और श्रीनिवास रेड्डी की विशेषता वाले कॉमेडी एपिसोड अधिकांश क्षेत्रों में अच्छे है। संपत ने एक भ्रष्ट मंत्री के रूप में अच्छा काम किया और फिल्म में काफी गहराई लाई है। पहले भाग को हल्का रखा गया है, जिसमें एक के बाद एक अच्छी डकैतियां दिखाई गए हैं, और दूसरे भाग में वास्तविक कथानक को मोर के साथ उजागर किया गया है। जो सामाजिक संदेश दिखाया गया है वो काफी अच्छा है और इसमें काफी जुड़ाव है। फिल्म में मुख्य जोड़ी के बीच बिल्कुल भी केमिस्ट्री नहीं है, जो पहले भाग में थोड़ी कमी है। महरीन को अच्छी तरह से स्टाइल नहीं किया गया है और फिल्म में उनका ट्रैक हटा दिया गया है। एक बार जब कथानक सामने आ जाता है तो दूसरे भाग में चीजें काफी पूर्व अनुमानित और नियमित हो जाती है। कहानी में कुछ भी नया नहीं है, क्योंकि डकैती पर आधारित ऐसी फिल्में पहले भी कई बार बन चुकी है। भले ही दिया गया सामाजिक संदेश अच्छा लगता है, लेकिन जिस तरह की कार्यवाही का वर्णन किया गया है वो फिल्म को आवश्यक धक्का नहीं देता है। फिल्म का संगीत भी बेहद ही निराशाजनक है और दोनों हिस्सों में कोई मदद नहीं करता। साथ ही गाने फिल्म के प्रवाहों में स्पीड ब्रेकर के रूप में आते हैं। फिल्म ज्यादातर संपत और गोपीचंद के धागे पर चलती है और यही पर दूसरे भाग में चीजें थोड़ी उबायू हो जाती है। के राधा मोहन द्वारा प्रोडक्शन वैल्यू बहुत अच्छी है, क्योंकि फिल्म पर बहुत पैसा खर्च किया गया है। कैमरा वर्क भी अच्छा है और फिल्म को अच्छी रोशनी में दिखाता है। सामाजिक मुद्दों पर लिखे गए संवाद बहुत अच्छे और मारक है। संपादन अच्छा है और प्रोडक्शन डिजाइन भी अच्छा है। निर्देशक चक्री की बात करें तो उन्होंने फिल्म में ठीक ठाक काम किया है। उन्होंने एक अपेक्षाकृत पुराना विषय चुना है और इसमें एक समसामयिक सामाजिक मुद्दा जोड़ा है, लेकिन दूसरे भाग में उन्होंने जिस तरह से फिल्म का प्रदर्शन किया है उसमें बहुत कुछ बाकी है, लेकिन वो चमक स्क्वैश के दौरान चीजों को अच्छी तरह से प्रबंधित करता है और चीजों को एक सुखद नोट पर समाप्त करता है। कुल मिलाकर पैंथम एक प्रचलित सामाजिक नाटक है, जिसमें एक अच्छा संदेश दिखाया गया है। भले ही कहानी पुरानी हो, निर्देशक चक्री ने यह सुनिश्चित किया है कि पहले भाग में कुछ मजा हो और क्लाइमेक्स संतोषजनक हो। फिल्म के पास बी और सी केंद्रों में अच्छा प्रदर्शन करने का मौका है, लेकिन मल्टीप्लेक्स दर्शकों को चीजें काफी सामान्य लगेगी, इसलिए ये फिल्म इस सप्ताहांत में देखने का औसत स्कोर बन जाएगी। गोपीचंद की फिल्म पंथम देखने से पहले जान लीजिए यहाँ फिल्म का पूरा रिव्यू और साथ ही जाने कहा देखे इसे फ्री में। बता दें कि फिल्म पंथम को IMDb पर 10 में से 5.8 की रेटिंग मिली है और इस मूवी के लीड रोल में है गोपीचंद और महरीन परिजात। इस मूवी को डायरेक्ट किया है चक्रवर्ती रेड्डी ने, जो इससे पहले वेंकी मामा जैसे और भी कई साउथ की फिल्में लिख चुके हैं और डायरेक्ट भी कर चुके हैं। और अब दोस्तों बात करें इस फिल्म के बजट की, तो यह फिल्म का बजट 25 करोड़ रुपए है। फिल्म का निर्माण 2017 के दौरान शुरू हुआ और 5 जुलाई 2018 को इसे रिलीज किया गया। ये एक तेलुगु भाषा एक्शन मूवी है। इस मूवी की कहानी में विक्रांत सुराना नाम के लड़के के आसपास घूमती है, जो एक चोरी को रोकने की कोशिश करता है। इस मूवी में गोपीचंद ने अपने किरदार को काफी अच्छे से निभाया है। यह मूवी एक बार देखने लायक है। बता दी कि पंथम मूवी की हिंदी डब राइट्स को बहुत ही पहले शिमारू एंटरटेनमेंट की तरफ से ले लिया गया था और इस मूवी की हिंदी डबिंग शिमारू स्टूडियो से बहुत ही पहले कंप्लीट करवा ली गई थी और इस मूवी का सेंसर भी हो गया है। इस मूवी को हिंदी डब टाइटल पंथम दिया गया है। और अब बात करें इसमें कौन से वॉइस ओवर आर्टिस्ट आपको सुनने को मिलेंगे, तो दोस्तों गोपीचंद को इसमें वॉइस ओवर किया है शहनूर मिर्जा ने और यह मूवी आपको बहुत जल्द देखने को मिल जाएगी और इस मूवी को बहुत जल्द कलर सिनेप्लेक्स पर रिलीज किया जाएगा। हालांकि यह कहा नहीं जा सकता कि कब इस मूवी को रिलीज किया जाएगा, और जब भी इस मूवी की रिलीज डेट से जुड़ी कोई अपडेट आती है तो हम आपको इसके बारे में जानकारी दे देंगे। जाने कैसी है गोपीचंद की पंथम। फिल्म देखने से पहले जान लीजिए यह फिल्म का पूरा रिव्यू और वो भी हिंदी में। विक्रांत प्रसिद्ध राजनेताओं पर डकैतियों की एक श्रृंखला की योजना बनाता है। अपने घर पर एक बड़ी डकैती के बाद गृह मंत्री नायक जांच के आदेश देते हैं।
उसे ये जानकर झटका लगा कि इन डकैतियों के पीछे का आदमी विक्रांत है और उसने ये सब क्यों किया है। ये विक्रांत कौन है, उनकी पृष्ठभूमि की कहानी क्या है, उन्होंने नेताओं पर निशाना क्यों साधा, ये सब जानने के लिए आपको सिल्वर स्क्रीन पर फिल्म देखनी होगी। हीरो गोपी चंद आगे बढ़कर नेतृत्व करते हैं और शानदार प्रदर्शन करते हैं। जैसा कि अपेक्षित था, वो अपनी लड़ाई में अच्छे हैं और उन्होंने अपने अभिनय में भी सुधार किया है। विशेष रूप से महत्वपूर्ण अदालती दृश्य के दौरान उनका प्रदर्शन बहुत ही प्रभावशाली है। पृथ्वी और श्रीनिवास रेड्डी की विशेषता वाले कॉमेडी एपिसोड अधिकांश क्षेत्रों में अच्छे है। संपत ने एक भ्रष्ट मंत्री के रूप में अच्छा काम किया और फिल्म में काफी गहराई लाई है। पहले भाग को हल्का रखा गया है, जिसमें एक के बाद एक अच्छी डकैतियां दिखाई गए हैं, और दूसरे भाग में वास्तविक कथानक को मोर के साथ उजागर किया गया है। जो सामाजिक संदेश दिखाया गया है वो काफी अच्छा है और इसमें काफी जुड़ाव है। फिल्म में मुख्य जोड़ी के बीच बिल्कुल भी केमिस्ट्री नहीं है, जो पहले भाग में थोड़ी कमी है। महरीन को अच्छी तरह से स्टाइल नहीं किया गया है और फिल्म में उनका ट्रैक हटा दिया गया है। एक बार जब कथानक सामने आ जाता है तो दूसरे भाग में चीजें काफी पूर्व अनुमानित और नियमित हो जाती है। कहानी में कुछ भी नया नहीं है, क्योंकि डकैती पर आधारित ऐसी फिल्में पहले भी कई बार बन चुकी है। भले ही दिया गया सामाजिक संदेश अच्छा लगता है, लेकिन जिस तरह की कार्यवाही का वर्णन किया गया है वो फिल्म को आवश्यक धक्का नहीं देता है। फिल्म का संगीत भी बेहद ही निराशाजनक है और दोनों हिस्सों में कोई मदद नहीं करता। साथ ही गाने फिल्म के प्रवाहों में स्पीड ब्रेकर के रूप में आते हैं। फिल्म ज्यादातर संपत और गोपीचंद के धागे पर चलती है और यही पर दूसरे भाग में चीजें थोड़ी उबायू हो जाती है। के राधा मोहन द्वारा प्रोडक्शन वैल्यू बहुत अच्छी है, क्योंकि फिल्म पर बहुत पैसा खर्च किया गया है। कैमरा वर्क भी अच्छा है और फिल्म को अच्छी रोशनी में दिखाता है। सामाजिक मुद्दों पर लिखे गए संवाद बहुत अच्छे और मारक है। संपादन अच्छा है और प्रोडक्शन डिजाइन भी अच्छा है। निर्देशक चक्री की बात करें तो उन्होंने फिल्म में ठीक ठाक काम किया है। उन्होंने एक अपेक्षाकृत पुराना विषय चुना है और इसमें एक समसामयिक सामाजिक मुद्दा जोड़ा है, लेकिन दूसरे भाग में उन्होंने जिस तरह से फिल्म का प्रदर्शन किया है उसमें बहुत कुछ बाकी है, लेकिन वो चमक स्क्वैश के दौरान चीजों को अच्छी तरह से प्रबंधित करता है और चीजों को एक सुखद नोट पर समाप्त करता है। कुल मिलाकर पैंथम एक प्रचलित सामाजिक नाटक है, जिसमें एक अच्छा संदेश दिखाया गया है। भले ही कहानी पुरानी हो, निर्देशक चक्री ने यह सुनिश्चित किया है कि पहले भाग में कुछ मजा हो और क्लाइमेक्स संतोषजनक हो। फिल्म के पास बी और सी केंद्रों में अच्छा प्रदर्शन करने का मौका है, लेकिन मल्टीप्लेक्स दर्शकों को चीजें काफी सामान्य लगेगी, इसलिए ये फिल्म इस सप्ताहांत में देखने का औसत स्कोर बन जाएगी। गोपीचंद की फिल्म पंथम देखने से पहले जान लीजिए यहाँ फिल्म का पूरा रिव्यू और साथ ही जाने कहा देखे इसे फ्री में। बता दें कि फिल्म पंथम को IMDb पर 10 में से 5.8 की रेटिंग मिली है और इस मूवी के लीड रोल में है गोपीचंद और महरीन परिजात। इस मूवी को डायरेक्ट किया है चक्रवर्ती रेड्डी ने, जो इससे पहले वेंकी मामा जैसे और भी कई साउथ की फिल्में लिख चुके हैं और डायरेक्ट भी कर चुके हैं। और अब दोस्तों बात करें इस फिल्म के बजट की, तो यह फिल्म का बजट 25 करोड़ रुपए है। फिल्म का निर्माण 2017 के दौरान शुरू हुआ और 5 जुलाई 2018 को इसे रिलीज किया गया। ये एक तेलुगु भाषा एक्शन मूवी है। इस मूवी की कहानी में विक्रांत सुराना नाम के लड़के के आसपास घूमती है, जो एक चोरी को रोकने की कोशिश करता है। इस मूवी में गोपीचंद ने अपने किरदार को काफी अच्छे से निभाया है। यह मूवी एक बार देखने लायक है। बता दी कि पंथम मूवी के हिंदी डब राइट्स को बहुत ही पहले शिमारू एंटरटेनमेंट की तरफ से ले लिया गया था और इस मूवी की हिंदी डबिंग शिमारू स्टूडियो से बहुत ही पहले कंप्लीट करवा ली गई थी और इस मूवी का सेंसर भी हो गया है। इस मूवी को हिंदी डब टाइटल पंथम दिया गया है। और अब बात करें इसमें कौन से वॉइस ओवर आर्टिस्ट आपको सुनने को मिलेंगे, तो दोस्तों गोपीचंद को इसमें वॉइस ओवर किया है शहनूर मिर्जा ने और यह मूवी आपको बहुत जल्द देखने को मिल जाएगी और इस मूवी को बहुत जल्द कलर सिनेप्लेक्स पर रिलीज किया जाएगा। हालांकि यह कहा नहीं जा सकता कि कब इस मूवी को रिलीज किया जाएगा, और जब भी इस मूवी की रिलीज डेट से जुड़ी कोई अपडेट आती है तो हम आपको इसके बारे में जानकारी दे देंगे। जाने कैसी है गोपीचंद की पंथम।
फिल्म देखने से पहले जान लीजिए यह फिल्म का पूरा रिव्यू और वो भी हिंदी में। विक्रांत प्रसिद्ध राजनेताओं पर डकैतियों की एक श्रृंखला की योजना बनाता है। अपने घर पर एक बड़ी डकैती के बाद गृह मंत्री नायक जांच के आदेश देते हैं। उसे ये जानकर झटका लगा कि इन डकैतियों के पीछे का आदमी विक्रांत है और उसने ये सब क्यों किया है। ये विक्रांत कौन है, उनकी पृष्ठभूमि की कहानी क्या है, उन्होंने नेताओं पर निशाना क्यों साधा, ये सब जानने के लिए आपको सिल्वर स्क्रीन पर फिल्म देखनी होगी। हीरो गोपी चंद आगे बढ़कर नेतृत्व करते हैं और शानदार प्रदर्शन करते हैं। जैसा कि अपेक्षित था, वो अपनी लड़ाई में अच्छे हैं और उन्होंने अपने अभिनय में भी सुधार किया है। विशेष रूप से महत्वपूर्ण अदालती दृश्य के दौरान उनका प्रदर्शन बहुत ही प्रभावशाली है। पृथ्वी और श्रीनिवास रेड्डी की विशेषता वाले कॉमेडी एपिसोड अधिकांश क्षेत्रों में अच्छे है। संपत ने एक भ्रष्ट मंत्री के रूप में अच्छा काम किया और फिल्म में काफी गहराई लाई है। पहले भाग को हल्का रखा गया है जिसमें एक के बाद एक अच्छी डकैतियां दिखाई गए हैं और दूसरे भाग में वास्तविक कथानक को मोर के साथ उजागर किया गया है। जो सामाजिक संदेश दिखाया गया है वो काफी अच्छा है और इसमें काफी जुड़ाव है। फिल्म में मुख्य जोड़ी के बीच बिल्कुल भी केमिस्ट्री नहीं है, जो पहले भाग में थोड़ी कमी है। महरीन को अच्छी तरह से स्टाइल नहीं किया गया है और फिल्म में उनका ट्रैक हटा दिया गया है। एक बार जब कथानक सामने आ जाता है तो दूसरे भाग में चीजें काफी पूर्व अनुमानित और नियमित हो जाती है। कहानी में कुछ भी नया नहीं है क्योंकि डकैती पर आधारित ऐसी फिल्में पहले भी कई बार बन चुकी है। भले ही दिया गया सामाजिक संदेश अच्छा लगता है, लेकिन जिस तरह की कार्यवाही का वर्णन किया गया है वो फिल्म को आवश्यक धक्का नहीं देता है। फिल्म का संगीत भी बेहद ही निराशाजनक है और दोनों हिस्सों में कोई मदद नहीं करता। साथ ही गाने फिल्म के प्रवाहों में स्पीड ब्रेकर के रूप में आते हैं। फिल्म ज्यादातर संपत और गोपीचंद के धागे पर चलती है और यही पर दूसरे भाग में चीजें थोड़ी उबायू हो जाती है। के राधा मोहन द्वारा प्रोडक्शन वैल्यू बहुत अच्छी है क्योंकि फिल्म पर बहुत पैसा खर्च किया गया है। कैमरा वर्क भी अच्छा है और फिल्म को अच्छी रोशनी में दिखाता है। सामाजिक मुद्दों पर लिखे गए संवाद बहुत अच्छे और मारक है। संपादन अच्छा है और प्रोडक्शन डिजाइन भी अच्छा है। निर्देशक चक्री की बात करें तो उन्होंने फिल्म में ठीक ठाक काम किया है। उन्होंने एक अपेक्षाकृत पुराना विषय चुना है और इसमें एक समसामयिक सामाजिक मुद्दा जोड़ा है, लेकिन दूसरे भाग में उन्होंने जिस तरह से फिल्म का प्रदर्शन किया है उसमें बहुत कुछ बाकी है, लेकिन वो चमक स्क्वैश के दौरान चीजों को अच्छी तरह से प्रबंधित करता है और चीजों को एक सुखद नोट पर समाप्त करता है। कुल मिलाकर पैंथम एक प्रचलित सामाजिक नाटक है जिसमें एक अच्छा संदेश दिखाया गया है। भले ही कहानी पुरानी हो, निर्देशक चक्री ने यह सुनिश्चित किया है कि पहले भाग में कुछ मजा हो और क्लाइमेक्स संतोषजनक हो। फिल्म के पास बी और सी केंद्रों में अच्छा प्रदर्शन करने का मौका है, लेकिन मल्टीप्लेक्स दर्शकों को चीजें काफी सामान्य लगेगी, इसलिए ये फिल्म इस सप्ताहांत में देखने का औसत स्कोर बन जाएगी। गोपीचंद की फिल्म पंथम देखने से पहले जान लीजिए यहाँ फिल्म का पूरा रिव्यू और साथ ही जाने कहा देखे इसे फ्री में। बता दें कि फिल्म पंथम को IMDb पर 10 में से 5.8 की रेटिंग मिली है और इस मूवी के लीड रोल में है गोपीचंद और महरीन परिजात। इस मूवी को डायरेक्ट किया है चक्रवर्ती रेड्डी ने, जो इससे पहले वेंकी मामा जैसे और भी कई साउथ की फिल्में लिख चुके हैं और डायरेक्ट भी कर चुके हैं। और अब दोस्तों बात करें इस फिल्म के बजट की, तो यह फिल्म का बजट 25 करोड़ रुपए है। फिल्म का निर्माण 2017 के दौरान शुरू हुआ और 5 जुलाई 2018 को इसे रिलीज किया गया। ये एक तेलुगु भाषा एक्शन मूवी है। इस मूवी की कहानी में विक्रांत सुराना नाम के लड़के के आसपास घूमती है, जो एक चोरी को रोकने की कोशिश करता है। इस मूवी में गोपीचंद ने अपने किरदार को काफी अच्छे से निभाया है। यह मूवी एक बार देखने लायक है। बता दी कि पंथम मूवी की हिंदी डब राइट्स को बहुत ही पहले शिमारू एंटरटेनमेंट की तरफ से ले लिया गया था और इस मूवी की हिंदी डबिंग शिमारू स्टूडियो से बहुत ही पहले कंप्लीट करवा ली गई थी और इस मूवी का सेंसर भी हो गया है। इस मूवी को हिंदी डब टाइटल पंथम दिया गया है। और अब बात करें इसमें कौन से वॉइस ओवर आर्टिस्ट
आपको सुनने को मिलेगी। तो दोस्तों गोपी चंद को इसमें वॉइस ओवर किया है शहनूर मिर्जा ने और यह मूवी आपको बहुत जल्द देखने को मिल जाएगी और इस मूवी को बहुत जल्द कलर सिनेप्लेक्स पर रिलीज किया जाएगा। हालांकि यह कहा नहीं जा सकता कि कब इस मूवी को रिलीज किया जाएगा और जब भी इस मूवी की रिलीज डेट से जुड़ी कोई अपडेट आती है तो हम आपको इसके बारे में जानकारी दे देंगे। जाने कैसी है गोपी चंद की पंथम फिल्म देखने से पहले जान लीजिए यह फिल्म का पूरा रिव्यू और वो भी हिंदी में। विक्रांत प्रसिद्ध राजनेताओं पर डकैतियों की एक श्रृंखला की योजना बनाता है। अपने घर पर एक बड़ी डकैती के बाद गृह मंत्री नायक जांच के आदेश देते हैं। उसे ये जानकर झटका लगा कि इन डकैतियों के पीछे का आदमी विक्रांत है और उसने ये सब क्यों किया है। ये विक्रांत कौन है, उनकी पृष्ठभूमि की कहानी क्या है, उन्होंने नेताओं पर निशाना क्यों साधा, ये सब जानने के लिए आपको सिल्वर स्क्रीन पर फिल्म देखनी होगी। हीरो गोपी चंद आगे बढ़कर नेतृत्व करते हैं और शानदार प्रदर्शन करते हैं। जैसा कि अपेक्षित था वो अपनी लड़ाई में अच्छे हैं और उन्होंने अपने अभिनय में भी सुधार किया है। विशेष रूप से महत्वपूर्ण अदालती दृश्य के दौरान उनका प्रदर्शन बहुत ही प्रभावशाली है। पृथ्वी और श्रीनिवास रेड्डी की विशेषता वाले कॉमेडी एपिसोड अधिकांश क्षेत्रों में अच्छे हैं। संपत ने एक भ्रष्ट मंत्री के रूप में अच्छा काम किया और फिल्म में काफी गहराई लाई है। पहले भाग को हल्का रखा गया है जिसमें एक के बाद एक अच्छी डकैतियां दिखाई गए हैं और दूसरे भाग में वास्तविक कथानक को मोर के साथ उजागर किया गया है। जो सामाजिक संदेश दिखाया गया है वो काफी अच्छा है और इसमें काफी जुड़ाव है। फिल्म में मुख्य जोड़ी के बीच बिल्कुल भी केमिस्ट्री नहीं है, जो पहले भाग में थोड़ी कमी है। महरीन को अच्छी तरह से स्टाइल नहीं किया गया है और फिल्म में उनका ट्रैक हटा दिया गया है। एक बार जब कथानक सामने आ जाता है तो दूसरे भाग में चीजें काफी पूर्व अनुमानित और नियमित हो जाती है। कहानी में कुछ भी नया नहीं है क्योंकि डकैती पर आधारित ऐसी फिल्में पहले भी कई बार बन चुकी है। भले ही दिया गया सामाजिक संदेश अच्छा लगता है लेकिन जिस तरह की कार्यवाही का वर्णन किया गया है वो फिल्म को आवश्यक धक्का नहीं देता है। फिल्म का संगीत भी बेहद ही निराशाजनक है और दोनों हिस्सों में कोई मदद नहीं करता। साथ ही गाने फिल्म के प्रवाहों में स्पीड ब्रेकर के रूप में आते हैं। फिल्म ज्यादातर संपत और गोपीचंद के धागे पर चलती है और यही पर दूसरे भाग में चीजें थोड़ी उबायू हो जाती है। के राधा मोहन द्वारा प्रोडक्शन वैल्यू बहुत अच्छी है क्योंकि फिल्म पर बहुत पैसा खर्च किया गया है। कैमरा वर्क भी अच्छा है और फिल्म को अच्छी रोशनी में दिखाता है। सामाजिक मुद्दों पर लिखे गए संवाद बहुत अच्छे और मारक है। संपादन अच्छा है और प्रोडक्शन डिजाइन भी अच्छा है। निर्देशक चक्री की बात करें तो उन्होंने फिल्म में ठीक ठाक काम किया है। उन्होंने एक अपेक्षाकृत पुराना विषय चुना है और इसमें एक समसामयिक सामाजिक मुद्दा जोड़ा है, लेकिन दूसरे भाग में उन्होंने जिस तरह से फिल्म का प्रदर्शन किया है उसमें बहुत कुछ बाकी है, लेकिन वो चमक स्क्वैश के दौरान चीजों को अच्छी तरह से प्रबंधित करता है और चीजों को एक सुखद नोट पर समाप्त करता है। कुल मिलाकर पैंथम एक प्रचलित सामाजिक नाटक है जिसमें एक अच्छा संदेश दिखाया गया है। भले ही कहानी पुरानी हो, निर्देशक चक्री ने यह सुनिश्चित किया है कि पहले भाग में कुछ मजा हो और क्लाइमेक्स संतोषजनक हो। फिल्म के पास बी और सी केंद्रों में अच्छा प्रदर्शन करने का मौका है, लेकिन मल्टीप्लेक्स दर्शकों को चीजें काफी सामान्य लगेगी, इसलिए ये फिल्म इस सप्ताहांत में देखने का औसत स्कोर बन जाएगी। गोपीचंद की फिल्म पंथम देखने से पहले जान लीजिए यहाँ फिल्म का पूरा रिव्यू और साथ ही जाने कहा देखे इसे फ्री में। बता दें कि फिल्म पंथम को IMDb पर 10 में से 5.8 की रेटिंग मिली है और इस मूवी के लीड रोल में है गोपीचंद और महरीन परिजात। इस मूवी को डायरेक्ट किया है चक्रवर्ती रेड्डी ने, जो इससे पहले वेंकी मामा जैसे और भी कई साउथ की फिल्में लिख चुके हैं और डायरेक्ट भी कर चुके हैं। और अब दोस्तों बात करें इस फिल्म के बजट की, तो यह फिल्म का बजट 25 करोड़ रुपए है। फिल्म का निर्माण 2017 के दौरान शुरू हुआ और 5 जुलाई 2018 को इसे रिलीज किया गया। ये एक तेलुगु भाषा एक्शन मूवी है। इस मूवी की कहानी में विक्रांत सुराना नाम के लड़के के आसपास घूमती है, जो एक चोरी को रोकने की कोशिश करता है। इस मूवी में गोपीचंद ने अपने किरदार को काफी अच्छे से निभाया है। यह मूवी एक बार देखने लायक है।
बता दी कि पंथम मूवी की हिंदी डब राइट्स को बहुत ही पहले शिमारू एंटरटेनमेंट की तरफ से ले लिया गया था और इस मूवी की हिंदी डबिंग शिमारू स्टूडियो से बहुत ही पहले कंप्लीट करवा ली गई थी और इस मूवी का सेंसर भी हो गया है। इस मूवी को हिंदी डब टाइटल पैंथम दिया गया है। और अब बात करें इसमें कौन से वॉइस ओवर आर्टिस्ट आपको सुनने को मिलेंगे, तो दोस्तों गोपीचंद को इसमें वॉइस ओवर किया है शहनूर मिर्जा ने और यह मूवी आपको बहुत जल्द देखने को मिल जाएगी और इस मूवी को बहुत जल्द कलर सिनेप्लेक्स पर रिलीज किया जाएगा। हालांकि यह कहा नहीं जा सकता कि कब इस मूवी को रिलीज किया जाएगा और जब भी इस मूवी की रिलीज डेट से जुड़ी कोई अपडेट आती है तो हम आपको इसके बारे में जानकारी दे देंगे। जाने कैसी है गोपीचंद की पंथम फिल्म, देखने से पहले जान लीजिए यह फिल्म का पूरा रिव्यू और वो भी हिंदी में। विक्रांत प्रसिद्ध राजनेताओं पर डकैतियों की एक श्रृंखला की योजना बनाता है। अपने घर पर एक बड़ी डकैती के बाद गृह मंत्री नायक जांच के आदेश देते हैं। उसे ये जानकर झटका लगा कि इन डकैतियों के पीछे का आदमी विक्रांत है और उसने ये सब क्यों किया है। ये विक्रांत कौन है, उनकी पृष्ठभूमि की कहानी क्या है, उन्होंने नेताओं पर निशाना क्यों साधा, ये सब जानने के लिए आपको सिल्वर स्क्रीन पर फिल्म देखनी होगी। हीरो गोपीचंद आगे बढ़कर नेतृत्व करते हैं और शानदार प्रदर्शन करते हैं। जैसा कि अपेक्षित था वो अपनी लड़ाई में अच्छे हैं और उन्होंने अपने अभिनय में भी सुधार किया है। विशेष रूप से महत्वपूर्ण अदालती दृश्य के दौरान उनका प्रदर्शन बहुत ही प्रभावशाली है। पृथ्वी और श्रीनिवास रेड्डी की विशेषता वाले कॉमेडी एपिसोड अधिकांश क्षेत्रों में अच्छे हैं। संपत ने एक भ्रष्ट मंत्री के रूप में अच्छा काम किया और फिल्म में काफी गहराई लाई है। पहले भाग को हल्का रखा गया है जिसमें एक के बाद एक अच्छी डकैतियां दिखाई गए हैं और दूसरे भाग में वास्तविक कथानक को मोर के साथ उजागर किया गया है। जो सामाजिक संदेश दिखाया गया है वो काफी अच्छा है और इसमें काफी जुड़ाव है। फिल्म में मुख्य जोड़ी के बीच बिल्कुल भी केमिस्ट्री नहीं है, जो पहले भाग में थोड़ी कमी है। महरीन को अच्छी तरह से स्टाइल नहीं किया गया है और फिल्म में उनका ट्रैक हटा दिया गया है। एक बार जब कथानक सामने आ जाता है तो दूसरे भाग में चीजें काफी पूर्व अनुमानित और नियमित हो जाती है। कहानी में कुछ भी नया नहीं है क्योंकि डकैती पर आधारित ऐसी फिल्में पहले भी कई बार बन चुकी है। भले ही दिया गया सामाजिक संदेश अच्छा लगता है लेकिन जिस तरह की कार्यवाही का वर्णन किया गया है वो फिल्म को आवश्यक धक्का नहीं देता है। फिल्म का संगीत भी बेहद ही निराशाजनक है और दोनों हिस्सों में कोई मदद नहीं करता। साथ ही गाने फिल्म के प्रवाहों में स्पीड ब्रेकर के रूप में आते हैं। फिल्म ज्यादातर संपत और गोपीचंद के धागे पर चलती है और यहीं पर दूसरे भाग में चीजें थोड़ी उबायू हो जाती है। के राधा मोहन द्वारा प्रोडक्शन वैल्यू बहुत अच्छी है क्योंकि फिल्म पर बहुत पैसा खर्च किया गया है। कैमरा वर्क भी अच्छा है और फिल्म को अच्छी रोशनी में दिखाता है। सामाजिक मुद्दों पर लिखे गए संवाद बहुत अच्छे और मारक है। संपादन अच्छा है और प्रोडक्शन डिजाइन भी अच्छा है। निर्देशक चक्री की बात करें तो उन्होंने फिल्म में ठीक ठाक काम किया है। उन्होंने एक अपेक्षाकृत पुराना विषय चुना है और इसमें एक समसामयिक सामाजिक मुद्दा जोड़ा है, लेकिन दूसरे भाग में उन्होंने जिस तरह से फिल्म का प्रदर्शन किया है उसमें बहुत कुछ बाकी है, लेकिन वो चमक स्क्वैश के दौरान चीजों को अच्छी तरह से प्रबंधित करता है और चीजों को एक सुखद नोट पर समाप्त करता है। कुल मिलाकर पैंथम एक प्रचलित सामाजिक नाटक है जिसमें एक अच्छा संदेश दिखाया गया है। भले ही कहानी पुरानी हो, निर्देशक चक्री ने यह सुनिश्चित किया है कि पहले भाग में कुछ मजा हो और क्लाइमेक्स संतोषजनक हो। फिल्म के पास बी और सी केंद्रों में अच्छा प्रदर्शन करने का मौका है, लेकिन मल्टीप्लेक्स दर्शकों को चीजें काफी सामान्य लगेगी, इसलिए ये फिल्म इस सप्ताहांत में देखने का औसत स्कोर बन जाएगी। गोपीचंद की फिल्म पंथम देखने से पहले जान लीजिए यहाँ फिल्म का पूरा रिव्यू और साथ ही जाने कहा देखे इसे फ्री में। बता दें कि फिल्म पंथम को IMDb पर 10 में से 5.8 की रेटिंग मिली है और इस मूवी के लीड रोल में है गोपीचंद और महरीन परिजात। इस मूवी को डायरेक्ट किया है चक्रवर्ती रेड्डी ने, जो इससे पहले वेंकी मामा जैसे और भी कई साउथ की फिल्में
लिख चुके हैं और डायरेक्ट भी कर चुके हैं। और अब दोस्तों बात करें इस फिल्म के बजट की, तो यह फिल्म का बजट 25 करोड़ रुपए है। फिल्म का निर्माण 2017 के दौरान शुरू हुआ और 5 जुलाई 2018 को इसे रिलीज किया गया। ये एक तेलुगु भाषा एक्शन मूवी है। इस मूवी की कहानी में विक्रांत सुराना नाम के लड़के के आसपास घूमती है जो एक चोरी को रोकने की कोशिश करता है। इस मूवी में गोपीचंद ने अपने किरदार को काफ़ी अच्छे से निभाया है। यह मूवी एक बार देखने लायक है। बता दी कि पंथम मूवी की हिंदी डब राइट्स को बहुत ही पहले शिमारू एंटरटेनमेंट की तरफ से ले लिया गया था और इस मूवी की हिंदी डबिंग शिमारू स्टूडियो से बहुत ही पहले कंप्लीट करवा ली गई थी और इस मूवी का सेंसर भी हो गया है। इस मूवी को हिंदी डब टाइटल पैंथम दिया गया है। और अब बात करें इसमें कौन से वॉइस ओवर आर्टिस्ट आपको सुनने को मिलेंगे, तो दोस्तों गोपीचंद को इसमें वॉइस ओवर किया है शहनूर मिर्जा ने और यह मूवी आपको बहुत जल्द देखने को मिल जाएगी और इस मूवी को बहुत जल्द कलर सिनेप्लेक्स पर रिलीज किया जाएगा। हालांकि यह कहा नहीं जा सकता कि कब इस मूवी को रिलीज किया जाएगा और जब भी इस मूवी की रिलीज डेट से जुड़ी कोई अपडेट आती है तो हम आपको इसके बारे में जानकारी दे देंगे। जाने कैसी है गोपीचंद की पंथम। फिल्म देखने से पहले जान लीजिए यह फिल्म का पूरा रिव्यू और वो भी हिंदी में। विक्रांत प्रसिद्ध राजनेताओं पर डकैतियों की एक श्रृंखला की योजना बनाता है। अपने घर पर एक बड़ी डकैती के बाद गृह मंत्री नायक जांच के आदेश देते हैं। उसे ये जानकर झटका लगा कि इन डकैतियों के पीछे का आदमी विक्रांत है और उसने ये सब क्यों किया है। ये विक्रांत कौन है, उनकी पृष्ठभूमि की कहानी क्या है, उन्होंने नेताओं पर निशाना क्यों साधा, ये सब जानने के लिए आपको सिल्वर स्क्रीन पर फिल्म देखनी होगी। हीरो गोपीचंद आगे बढ़कर नेतृत्व करते हैं और शानदार प्रदर्शन करते हैं। जैसा कि अपेक्षित था वो अपनी लड़ाई में अच्छे हैं और उन्होंने अपने अभिनय में भी सुधार किया है। विशेष रूप से महत्वपूर्ण अदालती दृश्य के दौरान उनका प्रदर्शन बहुत ही प्रभावशाली है। पृथ्वी और श्रीनिवास रेड्डी की विशेषता वाले कॉमेडी एपिसोड अधिकांश क्षेत्रों में अच्छे है। संपत ने एक भ्रष्ट मंत्री के रूप में अच्छा काम किया और फिल्म में काफी गहराई लाई है। पहले भाग को हल्का रखा गया है जिसमें एक के बाद एक अच्छी डकैतियां दिखाई गए हैं और दूसरे भाग में वास्तविक कथानक को मोर के साथ उजागर किया गया है। जो सामाजिक संदेश दिखाया गया है वो काफी अच्छा है और इसमें काफी जुड़ाव है। फिल्म में मुख्य जोड़ी के बीच बिल्कुल भी केमिस्ट्री नहीं है, जो पहले भाग में थोड़ी कमी है। महरीन को अच्छी तरह से स्टाइल नहीं किया गया है और फिल्म में उनका ट्रैक हटा दिया गया है। एक बार जब कथानक सामने आ जाता है तो दूसरे भाग में चीजें काफी पूर्व अनुमानित और नियमित हो जाती है। कहानी में कुछ भी नया नहीं है क्योंकि डकैती पर आधारित ऐसी फिल्में पहले भी कई बार बन चुकी है। भले ही दिया गया सामाजिक संदेश अच्छा लगता है लेकिन जिस तरह की कार्यवाही का वर्णन किया गया है वो फिल्म को आवश्यक धक्का नहीं देता है। फिल्म का संगीत भी बेहद ही निराशाजनक है और दोनों हिस्सों में कोई मदद नहीं करता। साथ ही गाने फिल्म के प्रवाहों में स्पीड ब्रेकर के रूप में आते हैं। फिल्म ज्यादातर संपत और गोपीचंद के धागे पर चलती है और यहीं पर दूसरे भाग में चीजें थोड़ी उबायू हो जाती है। के राधा मोहन द्वारा प्रोडक्शन वैल्यू बहुत अच्छी है क्योंकि फिल्म पर बहुत पैसा खर्च किया गया है। कैमरा वर्क भी अच्छा है और फिल्म को अच्छी रोशनी में दिखाता है। सामाजिक मुद्दों पर लिखे गए संवाद बहुत अच्छे और मारक है। संपादन अच्छा है और प्रोडक्शन डिजाइन भी अच्छा है। निर्देशक चक्री की बात करें तो उन्होंने फिल्म में ठीक ठाक काम किया है। उन्होंने एक अपेक्षाकृत पुराना विषय चुना है और इसमें एक समसामयिक सामाजिक मुद्दा जोड़ा है, लेकिन दूसरे भाग में उन्होंने जिस तरह से फिल्म का प्रदर्शन किया है उसमें बहुत कुछ बाकी है, लेकिन वो चमक स्क्वैश के दौरान चीजों को अच्छी तरह से प्रबंधित करता है और चीजों को एक सुखद नोट पर समाप्त करता है। कुल मिलाकर पैंथम एक प्रचलित सामाजिक नाटक है जिसमें एक अच्छा संदेश दिखाया गया है। भले ही कहानी पुरानी हो, निर्देशक चक्री ने यह सुनिश्चित किया है कि पहले भाग में कुछ मजा हो और क्लाइमेक्स संतोषजनक हो। फिल्म के पास बी और सी केंद्रों में अच्छा प्रदर्शन करने का मौका है, लेकिन मल्टीप्लेक्स दर्शकों को चीजें काफी सामान्य लगेगी, इसलिए ये फिल्म इस सप्ताहांत में देखने का औसत स्कोर बन जाएगी।